कि इस वेबसाइट के ऊपर मैं टियर अ सेलर हूँ और मैं 1 करोड़ तक इस वेबसाइट से अर्न कर चुका हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है इसमें। अच्छा, तो इस वीडियो को आपने बड़ा तसल्ली से कंप्लीट देखना है, एक एक चीज़ को समझना है। मैं स्क्रीन शेयरिंग करके A to Z बताने वाला हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। आज से ठीक 8 दिन पहले मैंने अपने चैनल अर्न विद खुर्रम के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप एक मेथड को इस्तेमाल करके, फ्रीलांस मेथड को इस्तेमाल करके महीने का कम से कम 50,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। बेसिकली वो जो चीज़ें मैंने बताई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उस वीडियो का, लगभग 10,000 लोगों ने अभी तक देख ली है और बहुत अच्छे कमेंट्स किए आप लोगों ने, बहुत अच्छा रिस्पांस था, लग रहा था कि आप लोग वाकई ही अर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में, ये थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको A to Z दिखाऊँगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑर्डर ले सकते हैं, बेसिकली किस तरीके से आपने इस वेबसाइट के ऊपर, जिस वेबसाइट का उस वीडियो में मैंने बताया था, काम करना है, कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करने हैं, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने पिछले 5 से 7 सालों में इस वेबसाइट को लेकर के सीखी हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा, आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो अगर आप खुद से करेंगे आपको कई साल भी लग सकते हैं उन टिप्स और ट्रिक्स को समझने में, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या तरीकाकार है। और मैं इस वेबसाइट के ऊपर आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस वेबसाइट के ऊपर मैं टियर अ सेलर हूं और मैं 1 करोड़ तक इस वेबसाइट से अर्न कर चुका हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है इसमें। अच्छा, तो इस वीडियो को आपने बड़ा तसल्ली से कंप्लीट देखना है, एक एक चीज़ को समझना है। मैं स्क्रीन शेयरिंग करके A to Z बताने वाला हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने वो जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप वो पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि बेसिकली ये जो कोर्स है जिसमें मैंने 50,000 कम से कम, इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, आप किस तरीके से कमा सकते हैं। और ये उस वीडियो का Part 2 है और लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो देखने के बाद आप A to Z इसके अंदर समझ जाएंगे कि इसको काम को किस तरीके से करना है और प्रैक्टिकली आपको डेफिनेटली मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये जो स्क्रीन शेयरिंग वीडियो है, ये डिटेल में जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका एक्सपीरियंस पूरी वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिएगा कैसा रहा। तो मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी, तो स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि इस जो एक वीडियो है इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें, एडवांस लेवल की चीज़ें, वो जो 4 से 5 साल का मेरा जो निचोड़ है, जो मैंने SEO क्लर्क प्लेटफॉर्म से एक्सपीरियंस करके मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये वीडियो मे भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाए, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा हो जाए। आई नो कि बहुत सारे लोग जो है वो लेंथी वीडियो नहीं देखते क्योंकि उनके पास बहुत सारी अदर इंटरटेनमेंट्स वाली वीडियोज़ हैं देखने के लिए। लेकिन डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, नो पे नो गेन वाला सिस्टम है कि अगर आपको ये जो ट्यूटोरियल है अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका उस तरीके से फ़ायदा नहीं हो सकेगा। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा क्योंकि जो नए लोग हैं उनको जो चीज़ें क्लियर नहीं होती, उनको ये तक नहीं पता होता कि यूज़र नेम क्या होता है, प्रोफाइल लिंक किस तरीके से लेना होता है, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो का जो है वो ड्यूरेशन आगे बढ़ता जाएगा, मैं एडवांस लेवल की चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म को लेके, वो A to Z यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कुछ चीज़ें मे बी मैं स्किप कर दूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यानी कि पैसे कमाने के, क्योंकि SEO क्लर्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको काम करने के लिए सीखना, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, मैं उन चीज़ों को स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव समझाऊंगा। आई होप आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफ़िनेटली आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को उन लोगों तक जो कि इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं लाजमी शेयर करेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन पे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने सबसे पहले जाना है SEOclerk.com के ऊपर, ठीक है। SEOclerk.com पे मैं चला गया और अपने आप को मैं यहाँ ट्रैक कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, बेसिकली क्या मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी, जो पहली वीडियो थी उस पे मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेट मी शो यू। मैं यूट्यूब पे गया, YouTube पे जाके मैंने जो वीडियो थी पहली, जो Part 1 है, जिन लोगों ने Part 1 नहीं देखा वो लाजमी देखें, Part 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हाउ नो देने के लिए कि बेसिकली जो है
आपको किन किन चीज़ों का ऑलरेडी पता होना चाहिए ताकि आप डिटेल में ये चीज़ें देख सकें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्न विद खुर्रम अपने चैनल के ऊपर, जो पहली वीडियो है उसमें एक लिंक दिया हुआ है बेसिकली, लेट मी शो यू, ओके यहाँ पे ये वो वीडियो है बेसिकली। आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मैं अगेन क्लियर करता जाऊँ। अच्छा, तो इस वीडियो को आप लोगों ने क्लिक किया, प्ले किया, बेसिकली जो लोग इसको पहली दफ़ा ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप हमारे एफिलिएट बन जाएंगे। एफिलिएटेड लिंक से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा कि इन इन लोगों ने इस नाम के यूज़र नेम ने हमारे जो लिंक है उससे ज्वाइन किया। उससे ये होगा कि हम आपको $5 फ्री में आपको कूपन दे सकेंगे। सिंपल है, जस्ट आपने प्रोफाइल बनानी है, वैसे भी बना सकते हैं जाके, जो एफिलिएट नहीं बनना चाहते हैं जस्ट seoclerk.com लिखें, वहां से जाके आप ज्वाइन पे क्लिक करें या फिर उस लिंक को क्लिक करके करेंगे तो यहां पे आपको एफिलिएटेड लिंक नज़र आ रहा होगा, उसके थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे एफिलिएट बन जाएंगे। अच्छा, ज्वाइन किस तरह करना है, वेरी सिंपल, आपने यहाँ पे ईमेल लिखी, यहाँ पे पासवर्ड लिखा, यहाँ पे यूज़र नेम। अब यूज़र नेम यूनिक होता है, ये होना क्या चाहिए, SEO इसके अंदर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ आ जाए। अब ये यूनिक होता है, जिस बंदे ने ऑलरेडी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल SEO 1 लिख दिया और कोई और बंदा SEO 1 नहीं लिख सकता, वो SEO 2 SEO 3 लिखेगा, यानी कि ये यूनिक होता है बेसिकली। अच्छा, यूज़र नेम लिखा जी, बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं SEO सेलर, ठीक है, और आगे आपने पासवर्ड कन्फर्म करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, अब मैं यहाँ पर साइनअप जस्ट डमी साइनअप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया आपने और फिर वही पासवर्ड यहाँ पे आपने पुट किया, ईमेल आपने लगा दी, फॉर एग्जांपल ये फुल नेम, यहाँ पे ये देखें फुल नेम, लीगल नेम वो होता है जो आपका एक्चुअली जो आपका एक आईडी कार्ड के ऊपर होता है, जो आपने रजिस्टर करवा रखा होता है अपना नाम, वो नाम आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा नाम खुर्रम शहजाद है, उसके अंदर जो स्पेलिंग है, उसके अंदर जो दो नेम है, जैसे खुर्रम है फिर शहजाद है, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखने हैं और यही चीज़ मेरे आईडी कार्ड से भी मैच हो रही हो। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, अब आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि आपके करेक्टर जो है वो इनवैलिड है। चलेंगे फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम है, ठीक है, आई एम नॉट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोग हैं इनको रिकैप्चा का नहीं पता होता, तो ये असल में इस चीज़ के लिए होता है कि आप कोई स्पैम ना कर रहा हो, यानी कोई मशीन जो है या कोई बोट जो है, कोई सॉफ्टवेयर ना बार बार अकाउंट बना रहा हो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब नॉट रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं बाज़ूका, तो आपका ये वैसे ही चेकआउट कर देता है कि ठीक है जी, आप जो है वो ह्यूमन है, यानी इंसान ही इस लैपटॉप के थ्रू सिस्टम के थ्रू ज्वाइन कर रहा है, या फिर ये होता है कि ये आपको सजेशन देता है कि जी ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट कर लें, वो कैप्चा सेलेक्ट करते हैं आपको फौरी जो है आप राइट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल जो जो चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की उन पर क्लिक करते हैं तो आपको वो ओके कर देता है। उसके बाद आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है, ज्वाइन पे क्लिक मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल में लिखा होगा कि जी वेरीफाई योर अकाउंट, आपने जाके सिंपली अपना अकाउंट वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपने करना है फ़ोन नंबर वेरीफाई, फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा लेकिन वहाँ पे एक तरीका कार है, लेट मी शो यू हाउ। मैं यहाँ पे जो है वो ईमेल लगाता हूँ, ओके, हमने ये डमी अकाउंट बनाया हुआ है, इस डमी अकाउंट की हम यहाँ पे ईमेल लगा के लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है। ओके 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 ओके, मुझे जस्ट फॉर 10 सेकेंड ये स्क्रीन हाइड करनी होगी क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे ईमेल पुट करनी है ताकि मैं जैसे ही लॉगिन हो जाऊँ फिर आपको बता सकूँ कि फ़ोन नंबर कैसे वेरीफाई करना है, फिर आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि सेलिंग कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, A to Z यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जस्ट मैं ईमेल लिख रहा हूँ और इस ईमेल के थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकूँगा।
ओके आज ही मिल नहीं रही। ओके जो हमने यहाँ पे लगा रखी थी, लेट मी चलें जी, ये ऑलमोस्ट हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद जो चीज़ें आती हैं वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके नाउ यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल। ओके जी, ईमेल भी नज़र आ रही है। ओके अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमारा है जावेद एसईओ के नाम से जो है वो डमी अकाउंट बना रखा है हमने जस्ट यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यानी यहाँ प्रोफाइल पे आए और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सामने ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर, जस्ट यहाँ पे अभी चेंज का नंबर है, यहाँ पे ऐड जो चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड, ऐड पे क्लिक करना है आपको। वो कहेगा पुट द फ़ोन नंबर, आपने +92 फिर 3 और सो ऑन, यानी कि 0340 होता है नंबर फॉर एग्जांपल, तो 0 नहीं डालना, +92 3 से स्टार्ट कर देना है और डाल के नंबर आपने, आपके पास ओटीपी आएगा और वो आपने पुट करना है, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जो लोग $5 का बोनस लेना चाहते हैं बेसिकली ये उनके लिए है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पर गया था थोड़ी देर पहले, लेट मी शो यू अगेन। ओके यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने सोचा होगा कि कोई ऐसी ये जो वीडियो है इस पर क्लिक किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये मैंने ईमेल दे रखी है ये वाली, इस ईमेल पे आपने मुझे एक मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बना लिया, फोन नंबर भी वेरीफाई कर लिया, आपने मुझे जस्ट सिंपल इस ईमेल के ऊपर अपना प्रोफाइल लिंक कॉपी पेस्ट करके मेल कर देना है। मेल कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट जैसे ये ईमेल है, और ईमेल करने का तो आइडिया होगा आप लोगों को, चलो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते। आपने जस्ट ये यूज़र नेम देना है, देखना है, ठीक है, सेंड करना है। हम आपको क्या देंगे, हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे, हम कहेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करके ये आपका कूपन है, कूपन फॉर एग्जांपल कुछ रैंडम होगा, ठीक है, जो हम जनरेट करेंगे अपने अकाउंट से। वो कूपन जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ पे जो बैलेंस आपको जीरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे $5 आपका बैलेंस आ जाएगा। और अब तक ऑलमोस्ट हम बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं, लगभग कोई 100 से ज़्यादा लोग होंगे शायद जिनको हम कूपन दे चुके हैं ऑलरेडी, और $5 जो है वो अर्न कर चुके हैं। अच्छा तो अच्छा, आपको कंफर्म कैसे होगा कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई है कि नहीं, वेरीफाई होने से मतलब ये होता है कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई है कि नहीं। यहाँ पे जब आप जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे, जैसे यहाँ पे आपने विजिट किया, प्रोफाइल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाइड यूज़र, ये यहाँ पे यस है, अदरवाइज नो होता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम होम पेज पे गए, होम पेज पे आपको डिफॉल्ट पता चल जाएगा, लिंक बिल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है एसईओ क्लर्क पे सबसे ज़्यादा जो है वो एसईओ सेल होती है, बैकलिंक एसईओ के अंदर बैकलिंक सेल होते हैं, और उसके अलावा जो है बैकलिंक से मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो सेल आउट होती हैं, और जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप सेल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इस पे क्लाइंट ज़्यादा है, ठीक है, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अच्छा आगे चले जाते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर ये कम्युनिटी डिस्कशन हर प्लेटफॉर्म का एक फोरम होता है जहाँ पे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। ये जस्ट आप सिंपल इस पे जाएंगे, अब कम्युनिटी के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की पोस्टिंग कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, वैसे बहुत सिंपल है, जस्ट आपने यहाँ पे स्टार्ट डिस्कशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्कशन करके पोस्ट कर देना है। आपका जो जेन्युइन प्रॉब्लम है एसईओ क्लर्क को लेकर के लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं ब्लॉग, हर वेबसाइट का एक ब्लॉग होता है, इनका भी ब्लॉग है जिसमें इनकी ऑफिशियल कोई न्यूज़ है, कोई अनाउंसमेंट है, कुछ भी इन्होंने अपलोड करना होता है वो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। सो आगे चलते हैं फ्रीलांसर्स, अब जितने भी यहाँ पे टॉप फ्रीलांसर हैं वो लिस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली हायरार्की जो है इतनी अथेंटिक और इतनी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो जो भी यहाँ पे पुराने सेलर्स हैं, बाज़ुकात जो है वो बड़ा नंबर ऊपर आ रहा है, उससे छोटा फिर नीचे आ रहा है, जितने भी मतलब बहुत पुराने सेलर आप कह सकते हैं वो यहाँ पे लिस्ट होते हैं। इसकी कोई तरतीब नहीं है, रैंडमली बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी हमारी प्रोफाइल भी यहाँ आ रही होती है, तो आज देखते हैं आज आ रही है कि नहीं आ रही। ओके फिलहाल पहले पेज पे तो नहीं आ रही,
लेकिन खैर यहाँ पे जो उन्होंने जस्ट जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी लिस्ट दिखाई हुई है जिसको आप यूज़ नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। ये चीज़ें हमने हाउ इट्स वर्क, इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये बेसिकली काम किस तरह करता है, किस तरीके से जो है वो वही चीज़ मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप रीड करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में डेफिनेटली इजाफा होगा। फीडबैक क्या होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, ये ओवरऑल इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हमने होम पेज डिस्कस कर लिया, होम पेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं जी, यहाँ पे आप ये चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ज़्यादा यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ सेल होती है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बेसिकली वो सेल होती है। अच्छा, आगे ऑप्शन है बायर्स का और सेलर्स का, फिर आ जाता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में हम इनबॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी मैसेजेस हैं आपके वो यहाँ पे आएंगे, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लोगों के मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने किसी ने हमें 3 साल पहले मैसेज किया हुआ है, इस नाम के यूज़र नेम से यहाँ क्लिक करते हैं तो इसके नाम पे पहुँच जाते हैं। अब इसका अकाउंट डिलीट हो चुका है इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम भी होती है। खैर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, हम ऐसे रीड कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो चीज़ है ना डिस्कस करने वाली वो बेसिकली ये है कि आपने यहाँ पे सर्विस कैसे बनानी है, आपने यहाँ से ऑर्डर कैसे लेने हैं, किस किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। इस प्लेटफॉर्म की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आप खुद ऑर्डर ले सकते हैं बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी, विद इन अ वीक आपको 7 डेज के अंदर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, अगर जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब मैं वन बाय वन एक एक चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कुछ चीज़ रह ना जाए, फिर भी उसके अलावा भी मैं तकरीबन यहाँ पे मोर देन 70% चीज़ें डिस्कस कर पाऊँगा। लाइक मैं यहाँ पे ये पार्ट नहीं डिस्कस करूँगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे की वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें हम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की यहाँ मैं डिटेल में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये अनरीड मैसेज हैं, हम इंपॉर्टेंट मैसेजेस को जो है वो आप मार्क कर सकते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। लाइक अगर मैं इंपॉर्टेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पहले खाली आ रहा था, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फिर आपने जो सारे मैसेजेस आर्काइव में डाले हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑल मैसेजेस, इनबॉक्स, अनरीड मैसेजेस हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो अनरीड वाली जो है फिल्टर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा इसका तरीकाकार है। अब कोई मैसेज आपने रीड कर लिया, आप चाहते हैं रिमाइंडर के लिए, जो मैं नॉर्मली करता हूँ, आप यहाँ पे जस्ट मार्क इज अन वो कर देंगे, मार्क एज अनरीड कर देंगे तो यहाँ पे ये मार्क एज अनरीड आ जाएगा और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखें जो पहले यहाँ पे निशान नहीं था। अच्छा, जब आपको ऑर्डर आता है तो फिर ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फिर आपने ऑर्डर पे कब जाना होता है, यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने सेल्स पे क्लिक करना है, मैंने सेल्स पे, यहाँ पे जितने भी आपके सेल्स हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लिस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अब चलते हैं वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे मैं यहाँ पे ये शॉपिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। शॉपिंग का एक तो ऑप्शन यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक बटन है और दूसरा जो है वो यहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कम्युनिटी में यहाँ ब्लॉग है और मे भी फूटर में भी यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली वेबसाइट्स पे होता है, कुछ ही चीज़ को इंपॉर्टेंट उन्होंने कंसीडर करना हो तो ये यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं। तो शॉपिंग वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। वैसे ये होता ही है, नॉर्मली बता देता हूँ, जितने भी आपने ऑर्डर किए हुए हैं दूसरों से काम करवाने के लिए वो सारी डिटेल यहाँ पे होती है। अच्छा, फेवरेट्स का ऑप्शन सबसे पहले, अच्छा इसको हम डिस्कस करते हैं। फेवरेट बेसिकली है क्या, ये जो वन है इसको मैं जो है वो अनमार्क कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने इसको रीड कर लिया। अब रीड कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। अच्छा, इसमें फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं। फेवरेट्स में क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज आपको लग रही हैं कि आपको इनको बाई करेंगे फ्यूचर में ये, या फिर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं या इसको आप रीसेल करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस है 20 EDU लिंक्स, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये बड़ी हार्ड सर्विस है, मैंने काफ़ी दफ़ा बाई भी किया, इस प्लेटफॉर्म से भी आई थिंक हमने बाई की थी। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स हियर। मैंने यहाँ पे गया बायर्स पे, शॉपिंग पे गया, माई शॉपिंग, जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जो कंप्लीटेड हो चुके हैं वो देखते हैं कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीटेड 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर मैंने ये किसी को किए थे लगभग कोई 1-2 साल पहले से, ठीक है। ये वो बंदा है जिसकी ये सर्विस है और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो डिटेल में यहाँ पे हमें ये देखें अभी 34 ऑर्डर इसके अभी भी क्यू में है। लोग $1 में यहाँ से बाई करते हैं, $5 में, $4 में, $3 में आगे सेल आउट करते हैं। अच्छा, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ।
मैंने यहाँ पे लिखा कि बाई सीडीओ लिंक्स मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल्टर बेसिकली कि जिनकी सबसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग है वो यहाँ पे शो हो जाए। ये फ़िल्टर भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा सेल करने वाले जो हैं वो देखते हैं। यहाँ पे एक सर्विस है, बेसिकली वही सर्विस ढूंढना चाह रहा हूँ जो पहले यहाँ पे अवेलेबल थी। लेट मी शो यू, मैं फ़िल्टर लगाता हूँ जी, सबसे जो लो है, लो कॉस्ट में है, वो यहाँ पे शो हो जाए। लो कॉस्ट वाले यहाँ पे शो हो गए, बहुत सारे लोग इस सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट सेलर है, मैं जानता तो नहीं हूँ उसे, लेकिन उसकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, वो ये है बेसिकली जिससे मैंने बाई किया हुआ है, ये वाला। आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं। बेसिकली मैं फेवरेट को समझाने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपने इसको फेवरेट कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे हम ढूंढ रहे हैं हमें मिल नहीं रहा यहाँ पे, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको जिसको फेवरेट किया फेवरेट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको सामने ये सारी डिटेल में नज़र आ जाएंगी। अब ये जो सर्विसेज मैंने, मैं इसको अनफेवरेट कर देता हूँ, इसको भी अनफेवरेट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ एक रह जाएगा। ये मेरी फेवरेट सर्विस है, ठीक है, तो ये सिर्फ रिमाइंडर के लिए। फाइवर में भी ऑप्शन है, लेकिन खैर आगे चलते हैं। आगे आ जाता है प्रोफाइल। जब हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें लेवल वन, अब लेवल एक से लेकर फाइव तक होता है, उससे ऊपर होता है एक्स लेवल, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है आप ऑनलाइन है, जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपका कुछ जो है वो यहाँ पे ये ग्रीन आता है। हम चेक करते हैं जो ऑनलाइन नहीं है उनका किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ये बंदा अभी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे ग्रीन नहीं आ रहा, तो ये एक साइन है। ये पाकिस्तान का पीके झंडा इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, ये यूज़र नेम है, ये डीपी लगा रखी है। किस तरह चेंज होती है, वेरी सिंपल, जस्ट यहाँ साथ ही क्लिक करना है आपने, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करना है, और आप यहाँ पे अपनी डीपी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट की थी, और अपडेट पे क्लिक करना है, आपकी डीपी अपडेट हो जाएगी। उसके साथ ही आप बैनर लगाना चाहते हैं, ठीक है, लाइक वो किस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं बेसिकली प्रोफाइल को इस ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बैनर किस तरीके से लगाना है, वेरी सिंपल है, जस्ट यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, जैसे ही आप डीपी पे क्लिक करते हैं अपना जिस तरीके से, और मैं बैनर लगाना चाहता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू, अब इसका थोड़ा साइज़ ठीक कर लीजिएगा, जारी बात है साइज़ अगर ठीक नहीं करेंगे तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा आपके पास, और मे बी ये जो कॉपी राइटेड इमेज हो, लेकिन चेक करते हैं यहाँ पे ये आ रहा है। इसका साइज़ आपने उस तरीके से कर लेना है जो एडजस्ट हो। अब आप कहेंगे कि साइज़ का क्या होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा बहुत आप जब क्लिक करते हैं चीज़ों पे, चीज़ों को देखते हैं, तो चीज़ें बड़ी आसानी से आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। लेट मी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम सेटिंग में चले जाते हैं। बेसिकली साथ में ये पेज भी एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। प्रोफाइल का तो सिंपल ये था, जस्ट मैंने वहाँ पे क्लिक किया, तो अब मैं सेटिंग वाले पेज में ओपन आ गया हूँ। लेकिन खैर साइज़ देखते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मुझे रिकमेंडेड साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये साइज़ हो तो आपकी इमेज बड़े अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ओके। सो उसमें फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है जी, जेपीजी में होना चाहिए, गिफ्ट में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए। इसमें गिफ्ट में अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली गिफ्ट की जो एग्जांपल्स हैं, लाइक गिफ्ट इमेजेस इन मार्केटिंग, आपको पता है वो थोड़ी सी शॉर्ट सी एक वीडियो होती है बेसिकली, ठीक है। लेट मी शो यू गिफ इमेजेस जो होती हैं वो किस तरीके से शो हो रही होती हैं। ओके ये देखें ना, इमेज चल रही है, बेसिकली ये गिफ इमेजेस की एग्जांपल्स है। अगर कुछ सेलर्स ने लगा रखी होती हैं, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, कुछ लोगों ने अपनी गिग्स की, गिग्स भी बनाना सिखाएंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे गिफ इमेजेस जो लगाते हैं, जैसे रैंडमली आप चल रहे हैं यहाँ पे, एक इमेज ऐसी है जिसके अंदर कुछ हलचल हो रही है, एकदम से आप रुकेंगे, अच्छा ये क्या, अच्छा ठीक है, इसने गिफ लगा रखी है। उसमें आप एक थोड़ा सा डिटेल में मैसेज भी छोड़ सकते हैं। लेट मी शो यू इसके पास ऑर्डर कितने हैं इस बंदे ने, देखें 40 ऑर्डर हैं, देखें डेफिनेटली अच्छा डिटेल में अपनी डिस्क्रिप्शन बना रखी है, सब कुछ मैंशन किया हुआ है, तो 40 ऑर्डर ही हैज़ इन द क्यू, बट ही इज़ टॉप रेटेड सेलर। यहाँ पे है लेवल X3, हमारा मेरा जो लेवल है इस पे लेवल X4 है, अभी बहुत जल्द जो है वो 5 होने वाला है। अच्छा तो आगे चलते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली प्रोफाइल को, प्रोफाइल पे हमने एक चीज़ देखी थी, उससे आगे फिर जो है हम सेटिंग पे चले गए। लेकिन खैर इन शॉर्ट ये कब ज्वाइन किया था, 2020 में ज्वाइन किया था। यहाँ पे आपकी सर्विसेज आती हैं, जिस तरह नॉर्मली किसी भी बंदे की, फॉर एग्जांपल ये इसकी देख लेते हैं, 7 सर्विसेज हैं, आप हमने कुछ भी नहीं बना रखी तो हमारी 0 सर्विसेज हैं। यहाँ पे आपकी सर्विसेज यानी एड्स यानी गिग्स यहाँ पे आपको शो होती हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हैं मैक्सिमम कवर हो सकें। यहाँ पे आपके फीडबैक होंगे, वो फीडबैक जो आपको किसी ने दिए हुए हैं या आपने किसी को दिए हुए हैं, ठीक है। सो
यहाँ पे ये मैंने इसको फीडबैक दिए हुए हैं बेसिकली, तो यहाँ पे ये वाले फीडबैक शो हो रहे हैं, किसी ने मुझे नहीं दिए हुए क्योंकि मैंने एज अ सेलर इस प्रोफाइल से शुरू नहीं किया। तो खैर यही चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं फीडबैक पे गया, ये इस बंदे को या इस बंदी को एक दिन पहले, फिर चार दिन पहले, ये मुख्तलिफ लोगों ने फीडबैक दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताऊँ, देखें जिस बंदे ने फीडबैक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हुआ, ये बंदा ऊपर यहाँ पे भी दे रहा है और आई थिंक यहाँ पे भी दे रहा है, इट्स मीन कि ये टाइप की सर्विस ज़्यादा बाई कर रहा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँगा, इसमें ये चीज़ बड़ी मज़े की है, इसको फॉलो करूंगा, इसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ईमेल जाएगी और इसको इस तरह यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा। ये यहाँ इनबॉक्स है ना, इनबॉक्स एक तो हमने यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, एक हम यहाँ से भी जा सकते हैं इनबॉक्स में। अच्छा, एक तो इसको नोटिफिकेशन जाया, मे बी वो देखे प्रोफाइल पे मुझे किसने किया, आपकी प्रोफाइल का नेम चला जाएगा, क्लिक करके देखेगा अच्छा आप ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो मे बी वो आपको ऑर्डर कर सके। एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा आप इसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मैं डिटेल में जैसे जैसे आगे वीडियो बना जाएगी ना तो मैं डिटेल में बताऊंगा इसको कॉन्टैक्ट किस बेस पे कर सकते हैं। यू आर बाइंग द 122 फॉलो बैक लिंक्स इन $5 बट आई कैन ऑफर यू इन $4 ओनली। सो ये तरीकाकार जो है वो आगे जैसे जैसे जाता है उसमें हम देखते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिव्यूज़ यहाँ पे और दूसरों के रिव्यूज़ हमने देखे। फिर आगे जैसे मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूँ, रिकमेंडेशन ये होता है कि एक बड़ा फीडबैक दिया, उसने रिकमेंड किया, लेट मी शो यू कि इस सेलर को किसी ने रिकमेंड किया है कि नहीं। शी हैज़ लेवल 5। ओके, रिकमेंडेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं रिकमेंडेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये बंदों ने रिकमेंड किया हुआ, उनके बायर्स ही रिकमेंड करते हैं बेसिकली। रिकमेंडेशन में ये है कि एक तो फीडबैक होता है, दूसरा वो डिटेल में एक रिकमेंडेशन बनाते हैं, फीडबैक के नीचे ही ऑप्शन होता है कि आप सेलर को रिकमेंड भी करेंगे, इसके मुतलक कुछ लिखेंगे, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, जिससे जो है वो आपकी प्रोफाइल मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है, लोग उसको पढ़ते हैं, उस बेस पे आपकी प्रोफाइल की ट्रस्ट वर्थी बनती है। लेकिन आप शुरू में भी यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हैं विदाउट हैविंग एनी फीडबैक। आई नो सारे जो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं हमें वो सारे न्यू ही हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन ये भी जैसे जैसे आप सेलर यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो ऑर्डर्स हैं बायर्स आएंगे, बीच में लोग फीडबैक भी लीव करेंगे, बीच में नहीं भी करेंगे, जस्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या जो है वो कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको फीडबैक देने के साथ साथ रिकमेंडेशन भी देंगे। आप उनसे खुद भी कह सकते हैं, मांग सकते हैं कि जी वुड यू लाइक टू रिकमेंड मी एज वेल इफ यू लाइक माई प्रोजेक्ट। सो स्टेटस वाला ऑप्शन क्या होता है? स्टेटस वाला ऑप्शन ये होता है जनाबे वाला कि जैसे ही हम यहाँ पे गए, लेट मी शो यू, स्टेटस पे क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे आई एम ऑफरिंग, ये कल मैंने 20 घंटे पहले जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, मैंने यहाँ पे वैसे ही एक आप लोगों को दिखाने के लिए स्टेटस अपलोड किस तरह करते हैं, स्टेटस बेसिकली अपलोड करने से आपको ऑर्डर किस तरह मिलते हैं, वेरी सिंपल मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस बंदी ने, इस फीमेल ने देखें, एक महीने पहले 20% डिस्काउंट 90 DA PBN सर्विसेज 20% डिस्काउंट उसने ऑफर किया। अब इसको जो फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन होता है, ठीक है, इसको जो फॉलो कर रहे हैं 1219 लोग हैं, अब इनको एक ईमेल जाएगी, जो आपने ये स्टेटस यहाँ पे अपडेट किया हुआ है ये इनको ईमेल जाएगी। एसईओ क्लर्क आपकी खुद मार्केटिंग कर रहा है बेसिकली, ठीक है, ये इनको जब ईमेल जाएगी और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो डेफिनेटली यूज़र हैं, उनकी ईमेल एड्रेसेस हैं, वो अपनी ईमेल्स इंपॉर्टेंट ईमेल रीड करते हैं, जब प्रमोशनल ईमेल जाएगी इनबॉक्स में जाती है बेसिकली, क्योंकि इनके ये सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे हम ज्वाइन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को हम उनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं बेसिकली ईमेल के थ्रू, तो 1200 लोगों को एक मैसेज जाएगा। बहुत सारे रिपीटेड लोग होंगे जो जिन्होंने पहले भी आपसे बाइंग की होगी, जिन्होंने जस्ट आपको फॉलो किया होगा क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी है। 1200 में से 2-4 ऐसे होंगे जो जो है वो रीड तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे होंगे जो आपकी प्रोडक्ट बाई करने में इंटरेस्टेड होंगे। ईमेल जाएगी, साथ में लिंक जाएगा उस सर्विस का, वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, कहीं अच्छा आजकल मैं ये बाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नई वेबसाइट बनाई है, उसके लिए ये पैकेज बाई करना है। सो ये एक तरीकाकार है, जस्ट यहाँ पे हाउनो दे रहा हूँ, आगे मैं जाके आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से स्टेटस अपडेट किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे ये सारा सिस्टम काम करता है। पहले हम एक सर्विस क्रिएट कर लें, फिर उस पर बात करेंगे। अच्छा, हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, प्रोफाइल डिस्कस कर ली है, फिर ये है, ये अचीवमेंट्स है। एक होता है लेवल, जब आप ज्वाइन करते हैं लेवल 1 आता है, उसके बाद जब आप 10 सेल्स कंप्लीट करते हैं लेवल 2 हो जाता है, जब आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके लेवल जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। लेवल्स को अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आपने जस्ट यहाँ पे फुटर पे जाना है, यूज़र लेवल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका सेलर लेवल कौन सा है, बायर लेवल कौन सा है। अगर आपने एज अ बायर 10 सेल्स कंप्लीट की हैं, परचेजेस कंप्लीट की हैं, तब भी आपको लेवल 2 मिल जाता है। अगर आपने एज अ सेलर जो है 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तब भी आपको लेवल 2 मिल जाता है। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो लेवल से रिलेटेड जो है आपने जस्ट यहाँ पे जाना है। वो कह रहा है कि ये है लेवल 1 की रिक्वायरमेंट, लेवल 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। जैसे ही आप बेसिकली अकाउंट बनाते हैं आपका लेवल 1 होता है, देयर इज़ नो एफर्ट, नो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब आपको लेवल 1 पे मिलता क्या क्या, ठीक है,
लेवल वन पे आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप नहीं कर सकते। मिनिमम विड्रावल जो है वो आपका $20 होता है, वैसे $5 तक भी आप विड्रा करा सकते हैं। मजे की बात है, $5 विड्रा करवाते हैं, 5 का 5 भी आपके अकाउंट में आ जाता है, ATM में आता है। ATM से आप जो है वो डायरेक्ट अपने जैस कैश इजी पैसा अपने लोकल बैंक में विड्रा करवा सकते हैं। अच्छा, कैन नॉट क्रिएट अ मोर देन 10 सर्विसेज, 10 से ज़्यादा सर्विसेज नहीं क्रिएट कर सकते। मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे 40 से 50 तक क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने अभी तक तकरीबन 35 क्रिएट की हुई हैं। अच्छा, उसके बाद जी कह रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, आपका जो पहला विड्रा है थोड़ा सा वो लेंथी हो सकता है, यानी कि नॉर्मली तो मैं विड्रा करवाता हूँ, अभी लास्ट टाइम मैंने आज मैंने $149 विड्रा करवाया SU क्लर्क से, विद इन अ 5 मिनट में मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे। लेकिन जो पहला विड्रा है वो मे भी 1 वीक ले जाए, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करना होता है इस बंदे ने कहाँ से कमाया, ये डुप्लीकेट अकाउंट तो नहीं इसने क्रिएट की हुआ, स्कैमर तो नहीं है ये बेसिकली, या फिर जो है वो आपको वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं कि जी आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करें। वेरीफाई सिर्फ आपने ID कार्ड भेजना होता है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, वेरी सिंपल है, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज नहीं हम कर सकते, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। 10 सर्विसेज आप अपलोड कर सकते हैं, 10 गिग्स बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, यही बहुत कुछ है। अच्छा, लेवल 2 की रिक्वायरमेंट क्या है, 10 ऑर्डर आपने जो है वो कंप्लीट करने हैं, चाहे वो बाई करके, सेल करके, या आपके एफिलिएट जो है वो कंप्लीट करते हैं, आपको लेवल 2 मिल जाता है। लेकिन उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, आपका अकाउंट जो है वो 7 दिन पुराना होना चाहिए, 14 दिन में कम से कम एक दफ़ा लॉगिन हो, ये ना हो कि लॉगिन हो ना आप, अगर नहीं होंगे तो आपका पीछे चला जाएगा। उसके बाद आपकी कम से कम, ये अभी आई है रिक्वायरमेंट, पहले नहीं थी, $500 आपने अर्न किया हो तब आपका लेवल 2 होता है मिनिमम, ठीक है। चाहे वो आपने एज अ बायर, एज अ सेलर या एज अ एफिलिएट, आपने किसी ना किसी तरीके से 500 ट्रांजैक्शन की लिमिट आपने क्रॉस करनी है, और बली में ये विद इन 1 or 2 मंथ हो जाती है। बाज़ वक़्त एक ऑर्डर ऐसा आ जाता है जो आपका सारा ये कंप्लीट कर देता है, और ये मैं हवाओं में कुछ बातें नहीं कर रहा, SU क्लर्क में बलीव मी, मेरी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है। लेट मी शो यू द एग्जांपल्स, आई वर्क ऑन फाइवर, ऑन अपवर्क, ऑन guru.com, ऑन freelancer.com, ऑन SU क्लर्क एज वेल, लीजर्ट, के वर्क। लेकिन सबसे जो मज़े की, सबसे इजी मुझे लगी है, जिसपे बंदा खुद ऑर्डर ले सकता है, वो सिर्फ ये वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, हैविंग अ 90% स्कोर, आगे कह रहा है कि जी आपके 72 घंटे रिस्पांस टाइम होना चाहिए, जब आपको किसी ने मैसेज किया तो आप कम से कम 72 घंटों में, यानी 4-5 दिन में रिप्लाई करें। लेकिन डेफिनेटली आप जैसे देखें फौरी रिप्लाई किया करें, मेरा ऑन एवरेज टाइम जो है वो यहाँ 5-6 घंटे है, यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे ही लेट करता हूँ ऑन एवरेज। एवरेज का क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं। खैर, ये जो है इसको अगर मैं डिस्कस डिटेल में लेवल 1, लेवल 2, 4, 5 आगे एक्स लेवल जो है वो डिस्कस करना लग गया 1 by 1 तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इसको जस्ट डिटेल में चेक कर लीजिएगा, आपको फोरी A to Z पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 फिर एक्स आता है, ठीक है। आपको 3 लेवल पे एक्स का बैज मिल सकता है, लेकिन एक्स का लेवल लेने के लिए वो कह गया एक्स लेवल आर अलाइट द ग्रुप, दिस ग्रुप ऑफ यूजर मैनुअली सिलेक्टेड बाई SU क्लर्क, सिलेक्टेड बाई स्टाफ ऑफ SU क्लर्क। SU क्लर्क का स्टाफ जो है वो बाकायदा जो है बात करता है आपसे और फिर आपको लेवल एक्स बनाता है। आई होप आप लोग भी एक दिन लेवल एक्स के सेलर बनेंगे। आई एम अ लेवल एक्स सेलर अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर वर्किंग अ 5 to 6 year ऑन SU क्लर्क, आई मेड लॉट ऑफ मनी ऑन इट, आई वैक ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। सो ये पेज आपने खुद पढ़ना है, मैं आगे बढ़ता हूँ, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आप जैसे रीड कर लेंगे आपको बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके स्टैट होते हैं कि आपने अभी तक क्या किया है, कितने आप देखें फर्स्ट परचेज कब की थी, आपकी रेटिंग क्या जा रही है, कितने दिन पहले जो है वो आपने ज्वाइन किया था, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देखें ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। एज अ सेलर आपकी क्या हिस्ट्री है, एज अ बायर क्या हिस्ट्री है, एज अ एफिलिएट क्या हिस्ट्री है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे एफिलिएट हिस्ट्री कोई नहीं है ऐसा चीज़ अकाउंट पे। अच्छा, आगे जी हमने प्रोफाइल को ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं अगेन एक दफ़ा। ओके, यहाँ पे ये देखें, ये लेवल की बात कर रहा था। ये कहता है कि 10 सेल्स आप लेंगे तो आपको विनर विनर का बैज मिल जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, ये पब्लिकली शो नहीं होता ये जो बैजेस हैं, ठीक है जी। आपने इतने ऑर्डर कर लिए, 1000 परचेजेस कर लिए, 1000 आपके मैसेजेस आ गए, 10 सर्विसेज आपने बना ली, आपको ये लेवल मिल जाएगा। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। आपने जो है वो लेवल 5 बना लिया तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की अचीवमेंट है, ये बस आपके ट्रैक के लिए होता है बेसिकली, ये इसका एज सच कोई इतनी ज़रूरी नहीं होती। कंप्लीशन पे बता रखा है कि एट अ नाइस चेंज ऑफ सीनरी, यानी आपने बैकग्राउंड पे जो है वो एक अच्छा सा कोई
बैकग्राउंड इमेज लगा ली, ऐड अ प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज लगा दिया जी, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट जो है वो टाइम के साथ साथ होते रहते हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं, एक आधा शायद रह गया हो जो हमारी मेन प्रोफाइल है, जो एजेंसी प्रोफाइल है बेसिकली, जो जिसको हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं, ये हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, ये फीडबैक हैं, ये बता रहा है कि आपके बायर फीडबैक हैं, ये हमारे सेलर फीडबैक यहाँ पे होंगे जब हम सेलिंग का काम शुरू करेंगे इस प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। ये सारी डिटेल आ जाती है। अच्छा, स्टेटस का ऑप्शन एक तो यहाँ पे है, नीचे भी ये कह रहा है कि जी स्टार्ट अ न्यू स्टेटस, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपके जितने भी स्टेटस होते हैं हिस्ट्री में वो सारे यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप शो होती है। अच्छा, स्टेटस लिखते कैसे हैं यहाँ पे मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आपने कोई नई सर्विस बनाई, आप स्टेटस अपलोड कर सकते हैं, इसकी कुछ टाइम होता है कि आप 24 घंटे में एक दफ़ा कर सकते हैं, 3 दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं, और क्योंकि आप फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है, देखें ईमेल टू फॉलोअर्स येस और नो, आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू ऑलवेज क्लिक ऑन येस। अच्छा, जब आप स्टेटस अपडेट करते हैं तो जो भी आपको फॉलो करते हैं लोग, फॉलो किस तरीके से बढ़ते हैं, एक तो नॉर्मली आपको लोग फॉलो करते रहते हैं, दूसरा आप लोगों को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने ये इन लोगों को फॉलो किया तो बैक में वो आपको फॉलो करेंगे तो आपका फॉलोवर बढ़ जाएंगे, ये तरीका कार है। फिर साथ साथ आप सर्विसेज अच्छी सेल कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, आपने आपका किसी क्लाइंट ने आपसे कुछ बाई किया वो आपको फॉलो कर लेगा, तो बहुत सारे तरीका कार हैं जिनसे फॉलोवर बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बड़े हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, फिर आप बायर्स को फॉलो करते हैं, आप खुद जाके बायर्स ढूंढते हैं, जैसे इन लोगों ने ये देखें ना लेवल 5x का, इसने अपने इस बायर को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें 40 सर्विसेज हैं, आई थिंक 40 मैक्सिमम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये बंदा मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, इसने अपने बायर्स को कर रहा है, देखें कितनी बड़ी स्केल पे ये सेलिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी ओवरऑल देखें तो अच्छा खासा ये रेवेन्यू बनाता है, 2014 से इसने ज्वाइन किया हुआ, अभी तक 2500 से ज़्यादा इसके फीडबैक हैं। अच्छा, तो फॉलोअर्स पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। स्टेटस अपडेट करने का, आई एम ऑफरिंग डिस्काउंट, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा डिटेल में, ये जो ऊपर एडिटिंग बॉक्स है, यही हर तरफ ही आपको इसी तरह का नज़र आएगा, चाहे आप सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, आप जो है वो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, या आप किसी को कोई मैसेज लिख रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं ऑर्डर पेज के ऊपर, ए टू जी यहाँ पे आपको इसी तरह का ही ऊपर जो बॉक्स है लिखने वाला, और उसकी ये जैसे आप इसको सिलेक्ट करके आई फॉर्म में करना चाहते हैं, नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं स्टेटस के अंदर, तो यू कैन अपलोड एनी इमेज, और इसको मैं यहाँ पे कुछ इमेज तो नहीं अपलोड करता, लेकिन ये कहता है कि सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर में कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, लेट मी शो यू, कलर है ये, और ये हो गया साइज़, लेकिन सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली देन ही आप इसका साइज़ चेंज कर सकेंगे, मैक्सिमम साइज़ ये है, फ़ॉन्ट आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव वे में लिखेंगे रेदर देन जो है वो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल एज एन एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप जस्ट इस तरह लिखेंगे तो रीडेबिलिटी में डेफिनेटली कमी आएगी, थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जांपल शो कर चुका हूँ एक ही। देखते हैं ये स्टेटस कौन सा इसने अपडेट किया, ये देखें इस बंदे ने इमेज लगा रखी है, गुड न्यूज़, ये डिटेल में सब कुछ उसने मेंशन किया हुआ है कि मैं ये चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, और ये ऑलमोस्ट हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन बाद जो है वो, अभी तो 29 दिन बाद ये किया इसने, लेकिन ये देखना कितनी डिटेल में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, जिस तरह इसने बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। फिर आप अपना अपनी किसी सर्विस को, बाहर वाले किसी चीज़ को लिंक नहीं देना आपने, अपनी किसी अंदर वाली सर्विस को, लाइक आप इसको लिंक देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिंक भी दे सकते हैं ताकि कोई बंदा क्लिक करके आपके उस स्पेसिफिक लिंक पे, यहीं से क्लिक करके आपके उस लिंक पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये इसका तरीका कार है, तो अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली स्टेटस अपडेट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, आगे हम अगेन प्रोफाइल पे आ जाते हैं, प्रोफाइल को, प्रोफाइल के साथ साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं ऑलमोस्ट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा जो है वो इस प्रोफाइल के अंदर हो और हमने उसको डिस्कस ना किया हो। अच्छा जी, ये चीज़ें स्टेटस अपडेट करने के हवाले से, फिर बॉक्स मैंने डिस्कस कर दिया, अब हम आ जाते हैं आगे। प्रोफाइल में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, कुछ ये चीज़ें रह गई हैं, मैं बता देता हूँ आपका ऑन एवरेज रिस्पांस टाइम क्या होता है, आप स्किल्स आपने कौन से यहाँ पे टैग लगा रखे हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और रिस्पांस टाइम आपका जो होगा वो यहाँ पे शो होगा, किसी भी यूज़र का, किसी भी सेलर का नॉर्मली रिस्पांस टाइम, लेट मी शो यू एनी एग्जांपल के रिस्पांस टाइम यहाँ पे लोगों के किस किस तरीके से शो होते हैं, ठीक है।
लेट्स सपोज कि इसको हम ओपन कर लेते हैं इसकी प्रोफाइल को, जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की हुई है। रिस्पांस टाइम जी यहाँ पे इसका है कितने घंटे, कितने 12 घंटे है, ठीक है, ऑन एवरेज, यानी हर मैसेज का ये कभी किसी का 2 घंटे बाद रिप्लाई कर देता है, कभी किसी का 10, ऑन एवरेज जो है वो इसका अगर हम देखें तो 12 घंटे है। आगे हम देखते हैं टोटल रेटिंग हमारी 0 है, इस बंदे की कितनी है। अच्छा यहाँ पे रिसेंट डिलीवरी का बैज आया हुआ है, हमारा आई थिंक नहीं है क्योंकि अभी हमने सेलिंग के लिए कोई भी गिग यहाँ पे नहीं बनाई। आपने लास्ट टाइम डिलीवरी कब की थी, यानी कि आपने कब ऑर्डर डिलीवर किया था, तो यहाँ पे ये 14 घंटे पहले। यहाँ पे मतलब ये है कि बाज़ बात कोई सेलर है आपकी, कोई सर्विस बाई करना चाह रहा है, तो आपकी प्रोफाइल पर आके थोड़ा सा आउन ले लेगा कि आप एक्टिव भी हैं कि नहीं, ठीक है। रिस्पांस रेट देखेगा, अच्छा अभी इसने 14 घंटे पहले काम करके सबमिट किया तो इट्स मीन कि एक्टिव है। बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं होते, आते ही नहीं है, साल साल अकाउंट बना के चले जाते हैं, बस उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कभी किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए टोटल रेटिंग्स इतनी यहाँ पे हैं। लास्ट सीन कब, लास्ट टाइम ये ऑनलाइन हुआ था, 2 डे आज हुआ था। रिस्पॉन्सेज, अच्छा ये जो कम्युनिटी मैंने स्टार्ट में बताया था, कम्युनिटी डिस्कशन, आप यहाँ पे कोई भी डिस्कशन करते हैं, किसी का रिस्पांस करते हैं, किसी को कोई पोस्ट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पोस्ट करना वेरी सिंपल है, जैसे यहाँ पे आपने टाइटल लिखा, बाकी वही बॉक्स जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्टेटस वाले ऑप्शन में, और हर जगह यही आता है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, SEO यहाँ पे टैग 1-2 दे दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी आप लिख के पोस्ट करना चाहते हैं, लिंक जो अगर आपने इसमें लगाना है तो आपने SEO क्लर्क को ही लगाना है, किसी और चीज़ को नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइटल लिखा, तो ये आप इस तरह के वो बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इस तरह के आप क्या बना सकते हैं, यानी कि जैसे ये इस बंदे ने विनिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, ये उसने टाइटल लिखा, ये उसने डिस्क्रिप्शन लिखी, और नीचे लोग जो है वो उसको लाइक भी कर रहे हैं, आप उसको जो है वो कर रहे हैं, आप किसी का रिस्पांस भी लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पांस लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पांस कर सकते हैं। ये बंदा हर वक्त जो है वो कम्युनिटी के अंदर बहुत एक्टिव रहता है। अब यहाँ पे जो भी आपने काम किए ना वो सारा आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री में यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे ये देखें, इस बंदे ने 1994 जो है यहाँ पे रिस्पांस कर चुका, अभी तक डिस्कशन जो है 155 कर चुका है मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी हिस्ट्री में हम आगे आ जाते हैं जावेद एसईओ की तरफ। अगेन रिस्पॉन्सेज हमने 0 किया हुआ, डिस्कशन 0 है अभी। वेरीफाइड यूज़र, शुरू में आई थिंक मैं बता चुका हूँ कि आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आपका येस आ जाता है। बाकी कंट्री आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि किस कंट्री का। RSS फीड, इसकी डिस्कशन मैंने नहीं जाना चाहता, ये थोड़ा सा अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये ओवरऑल बता देता है कि ये किस किस सिनेरियो से, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोफाइल का, उसका कोड बेसिक ये क्या है, लेकिन ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही एक आप समझ लें कि SEO पर्पस के लिए शुरू में होता था, लेकिन अब मैटर नहीं हो रहा। यहाँ पे आपके फॉलोअर, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे होंगे, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे होंगे। अब रिसेंटली मैंने किसी को फॉलो किया था आपके सामने एज एन एग्जांपल, उसके फॉलोअर्स को बल्क में फॉलो किया था, तो यहाँ पे डिटेल्स उनकी आ चुकी हैं कि मैंने अभी तक कितने लोगों को फॉलो किया। आप अनफॉलो भी कर सकते हैं, ये देखें एक दिन में आप मैक्सिमम 60 लोगों को, कभी 70 को, कभी 40 को, कभी 30 को आप अनफॉलो कर सकते हैं, और इतने ही लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं SEO क्लर्क, बाज़ का था बल्क में आप अनफॉलो करते जा रहे हैं, SEO क्लर्क आपको टेम्परेरी तौर पे बैन कर देगा फॉलो करने से, सिर्फ फॉलो करने से बैन करेगा, टोटल बैन नहीं कर देगा, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली बेसिस पे आपने लोगों को फाइंड करना है जो ज़्यादा क्वान्टिटी में ऑर्डर करते हैं। लाइक कैसे, अगर मैं फॉलोअर की, ये ऑर्डर लेने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आप फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, हालांकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं आता, लेकिन लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया और इस बंदे को आपने इसके फीडबैक में गए, और ये जो जिन लोगों ने इसको फीडबैक दिए हुए हैं यहाँ पे अभी शो होंगे, उनको आपने फॉलो करना है, उनको ईमेल जाएगी कि समवन फॉलो यू, तो मे बी वो विज़िट करें, चेक करें कि किसने फॉलो किया है, वो आपकी प्रोफाइल को विज़िट कर रहे हैं तो वो आपकी सर्विसेज को भी देख सकते हैं। कोई सर्विस ऐसी हो सकती है जो उनकी नीड को पूरा कर रही हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो डेफिनेटली उसमें आ जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेट क्लाइंट मिलेगा। तो अभी यहाँ पे ये मुझे अलो नहीं कर रहा, लेट मी शो यू, यहाँ पे फीडबैक देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये देखें, ये बायर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने 25 दिन पहले इस बंदे को ऑर्डर किया है। अब देखें फाइवर पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप बायर्स को टच तक नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आप इसमें SEO क्लर्क में आप बायर्स को मुख्तलिफ एंगल से टच कर सकते हैं। फॉलो किया, नोटिफिकेशन उसे चला गया, आपकी हिस्ट्री में यहाँ पे आ जाएगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखें, ठीक है, मैंने फॉलो किया और यहाँ पे ये देखें फॉलो का ऑप्शन आ गया। अनफॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन खैर मैं फॉलो, अब ये नहीं कि अनफॉलो फॉलो बार बार आप करते रहें, ये भी ज़्यादा नहीं आपने करना। 2018 से इसने ज्वाइन किया हुआ है, एज अ बायर उसको जो है वो ऑर्डर कर चुका है। यू कैन प्लेस एनी प्रमोशनल मैसेज टू हिम,
लेकिन लेकिन दिन में, अब देखिए यहाँ पे जो बॉक्स आया ना, एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूँ, ये वही है जो शुरू में आपको बता चुका हूँ। जैसे ये है, इसको हमने कुछ शेप देनी है, फाउंड देना है, डिफरेंट कर दिया, आपने इसको नंबर देने हैं, इसको आपने ये करना है, आपने इसको कलर देना है लेकिन सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये आपको बता चुका हूँ कि हर जगह ही यही आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको लेकर के आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप किसी को ईमेल लिखते हैं, आप उसका सब्जेक्ट लिखते हैं यानी टाइटल लिखते हैं, फिर नीचे बॉडी होती है, ऊपर देख लें आप सब्जेक्ट है यानी लाइन है, आपने किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, नीचे आपने डिटेल में उसको मैसेज कर दिया। लेकिन दिन में आपने दो या मैक्सिमम तीन लोगों को आपने, लेकिन ऐसे लोगों को मैसेज करना है जो वाकई में ही बार बार ऑर्डर कर रही हो, प्रमोशनल मैसेज करना है, लेकिन वो हर एक बंदे को एक टाइप का मैसेज करना है। लाइक ये नहीं कि आई एम ऑफरिंग, लाइक जिस तरह मैं करता हूँ, आई एम ऑफरिंग गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, ठीक है, इस बंदे को, क्योंकि ये ग्राफिक का बंदा है लेकिन इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, कोई और सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग, मुझे करनी यहाँ पे क्या चाहिए, लोगो सर्विस इन $2 फॉर एग्जाम्पल, बट यू आर बाइंग इन 5, आई कैन गिव यू फॉर एग्जाम्पल $3 जो है वो मैं आपको वो कर सकता हूँ, ऑफर कर सकता हूँ। यही चीज़ आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल, हेयर इज माई प्रोफाइल, वैसे तो जब आप मैसेज करेंगे माई प्रोफाइल लिंक, ये यकीन करें मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये चीज़ इतनी यूज़फुल है और इतनी कन्वर्टिंग है, इतनी आसानी से आपको क्लाइंट मिल जाता है कि विद इन अ 7 डे आई गारंटी कि अगर आप पोटेंशियल तरीके से सही तरीके से बायर्स को फाइंड करते हैं, बायर को कैसे फाइंड करना है, सिंपली जो आप बेच रहे हैं उसी से रिलेटेड सर्विसेज फाइंड करें, एसईओ क्लर्क पे जाके उसके नीचे जो फीडबैक है उनके क्लाइंट्स को टारगेट करें जो बार बार ऑर्डर कर रहे हैं और उनको मैसेज करें, ठीक है, 2 से 3 आप लोगों ने डेली मैसेजेस करने हैं। अच्छा, हेयर इज माई प्रोफाइल लिंक और सर्विस लिंक, यानी कि या फिर आप हेयर इज माई सर्विस लिंक, सर्विस लिंक, अब वहाँ पे सर्विस लिंक जो है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सर्विस लिंक ये है, मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको थोड़ा क्लिकेबल बना दें ताकि उसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, या वो मोबाइल से अगर रीड कर रहा हो तो वो डेफिनेटली कॉपी नहीं कर सकेगा, आप इसको मैसेज करेंगे तो इसको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप कुछ चीज़ अटैच करके देना चाहते हैं, हर इनबॉक्स में ये होता है ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज़ ऐसी है जो आप अटैच करके इसको दिखाना चाहते हैं, लेट मी चेक इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, लाइक मैं ये करना चाहता हूँ इसको, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि आप इमेज के अंदर, मैसेज के अंदर वो चीज़, यानी कि उसको डाउनलोड करके ना देखनी पड़े डायरेक्टली, वो यहाँ से, ये मेरे मैकबुक की तस्वीर थी और ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह का आपने एज एन एग्जाम्पल उसको मैसेज लिखा, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अब देखें, ग्राफिक डिज़ाइनर का बंदा आपने टारगेट किया, उसने इस बंदे के यानी इस बंदे की सर्विस के नीचे फीडबैक दिया था 25 दिन पहले और ये नॉर्मली काफ़ी टाइम देता आ रहा है, तो उस तरीके से आपने इसको टारगेट करना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ एग्जांपल्स कम है हमारे पास, लेकिन लिंक बिल्डिंग की बहुत एग्जांपल्स हैं। अच्छा, रेलिवेंट टारगेट यूज़र आपने फाइंड करना है, पर डे में 2 से 3 मैसेजेस करने हैं और हर एक का कंटेंट डिफरेंट लिखना है, यानी एक बंदे को आप ऑफर कर रहे हैं, आई एम जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, आई एम ऑफरिंग द लोगो सर्विसेज, हेयर इज माई सर्विसेज, आई विल गिव यू $2 डिस्काउंट पर ऑर्डर, इफ यू हैव इन बल्क ऑर्डर यू कैन ऑर्डर मी हेयर। दूसरे को आपने यही लिखना है लेकिन डिफरेंट तरीके से, लाइक आर यू लुकिंग फॉर द लोगो, आई एम ऑफरिंग द गुड डिस्काउंट, यानी मैं कॉन्टेंट जो टेक्स्ट टाइप है वो चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एक ही कॉपी पेस्ट करेंगे, एसईओ क्लर्क का जो एल्गोरिथम है उसको डिटेक्ट कर लेगा और स्पैम कंसिडर करके आपको जो है वो बैन कर सकता है, ये चांसेज हैं और बहुत सारे लोग होते भी हैं। इस चीज़ से आपने बचना है, 2 से 3 से ज़्यादा मैसेज नहीं करने विद इन 24 आवर्स, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वार्निंग्स ले करके अकाउंट्स बैन करवा करके इतने सालों की जो वर्किंग हिस्ट्री है उसके बाद ये चीज़ें समझ आई हैं कि किस किस तरीके से चलना है, वो आपको जस्ट हम फ्यू सेकंड के अंदर मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, मैं टारगेट कैसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूँ PBN, ठीक है, मैं यहाँ पे PBN पे क्लिक करता हूँ, PBN बैकलिंक बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर फॉर एग्जांपल मैं सेल आउट कर रहा हूँ प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है, प्रोफाइल बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक क्या होते हैं, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सिंपल सा एक सर्विस है, समझ लें कि आपने मुख्तलिफ लोगों को बैकलिंक क्रिएट करके देने हैं फ्री में, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा, ये फिल्टर है, यानी मैंने यहाँ पे सर्च में लिखा, अब सर्च भी एक्सप्लेन करता जाऊँ मैं, कि सर्च में मैंने यहाँ पे लिखा कि हम जो है प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है, अब मैं देखता हूँ इस बंदे को प्रोफाइल बैकलिंक काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं, यहाँ पे इसकी सर्विस जो बाइंग हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे फीडबैक भी काफ़ी है, फीडबैक पे मैंने क्लिक किया,
क्लिक करके मैंने यहाँ पे बायर्स देखने हैं। ये देखें, एक बंदे ने एक दिन पहले, तीन दिन पहले, अब मैंने देखना है कौन रिपीटेडली जो है वो एक ही बंदा बार बार इसको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, एक ही बंदा बार बार कौन सा ऑर्डर कर रहा है, और उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे उसको मैसेज भेजना है। और प्रोफाइल बैकलिंक की उससे लिया है तो हम प्रोफाइल बैकलिंक से रिलेटेड ही बंदा फाइंड करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर, बट लेट मी कंट्रोल सिक्स। और ये देखें, ये रिपीट हो रहा है वाकई, ये बंदा बार बार इसको मैसेजेस जो है ऑर्डर कर रहा है। मैं इसको टारगेट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा फॉलो, फिर इसको मैं ऑफर करूँगा बैकलिंक की ही सर्विस, ठीक है। कितने 90 बैकलिंक्स हैं देख लेते हैं कि क्या सर्विस ऑफर कर रहा है ये। टोटल 180 बैग इंक्लूडिंग EDU वीकी बुक मार्क्स, ये पैकेज दे रहा है बेसिकली $8 में, और यही पैकेज आपको $5 में भी बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, तो आप इसको ऑफर कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऑफर दिस इन $6, ये 8 में ले रहे हैं, मैं आपको 6 में दे सकता हूँ। और यही अगर आप खुद करें, इसको सीख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है, या इससे मिलता जुलता प्रोफाइल बैकलिंक हैं जी, उसमें जो है वो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और बैकलिंक दे रहा हूँ, या फिर आप इसी बंदे को ऑर्डर करके इससे जो है वो ये सारी जो प्रोफाइल जो है इसकी सैंपल वर्क है ये आप ले सकते हैं, और उसी को आप देख के समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाना है। अच्छा, इस बंदे के ऑर्डर भी काफ़ी क्यू में लगे होंगे, आई एम श्योर, देखें 38 ऑर्डर क्यू में है, ठीक है। अभी 38 को मैं 8 से मल्टीपल करता हूँ, और कितने टाइम में ये डिलीवर कर रहा है, 3 दिन के अंदर ऑन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि ये एक महीने के कम अज कम जो है वो 500 ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, 500 को आप मल्टीपल कर लें, लेट मी, ये आप ये कमा कितना रहा है यहाँ पे, ये जो फीमेल है रहा नहीं है, रही है, फॉर एग्जाम्पल 500 ऑर्डर ये महीने के कंप्लीट कर रहा है, मैं इसको जो है क्योंकि 3 दिन में डिलीवर कर रहा है, महीने के अंदर 8 से मल्टीपल करता हूँ, कितना हुआ $4,000, ठीक है। $4,000 को मैं आज के रेट से अगर मैं 280 करता हूँ तो ये बंदा कायदा सैकड़े ये 1,000,000 प्लस अर्न कर रहा है सिर्फ एक सर्विस से, और ये एक सर्विस नहीं, बहुत सारी सर्विसेज ये फीमेल ऑफर कर रही होगी, जैसे ये देखें 11 सर्विसेज हैं इसमें, ये भी ऑफर कर रही हैं, ये भी 1,000,000 तो ये निकाल रही है मिनिमम सिर्फ एक सर्विस से। ओवरऑल अगर आप बात करें तो हो सकता है, मेरा इरादा है, एक अंदाज़ा है कि 4 से 5 मिलियन तक ये यहाँ से यानी कि आराम से अर्न कर रही होंगी ये जो प्रोफाइल है यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये ना सोचें कि इसका लेवल हाई है या कुछ ऐसा है, अब ये सऊदी अरेबिया से आई थिंक, तो तब ऐसा पॉसिबल है नहीं, आप जीरो लेवल से, इसने भी जब स्टार्ट किया था तो लेवल 1 से यानी लेवल 0 से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली चीज़ें ग्रो होती हैं यहाँ पे। और अच्छा, हम आगे आते हैं टू द पॉइंट, मेन चीज़ पे, जो हम यहाँ पे ये मैसेजेस का बता रहे थे कि शुरू में आपको ऑर्डर लेने के लिए मैसेजेस करने हैं, किस तरीके से टारगेट करने हैं। अब इसको आप ऑफर कर सकते हैं बैकलिंक से रिलेटेड कोई भी मिलती जुलती सर्विस, आई कैन हेल्प यू टू गेट 20 EDU बैकलिंक्स इन ओनली शुरू में मैं थोड़ी प्राइस रखूँगा, और मैं खरीदूँगा कहाँ से, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, यानी कि मैं $1 में यहाँ से ख़रीदूँगा। ये जो यहाँ पे हमारे पास एक मैंने बुक मार्क की हुई थी, आई थिंक मैंने बुक मार्क की थी, फेवरेट में की थी, तो मेरे लिए यहाँ पे आसानी से फाइंड करना आसान होगा, यहाँ पे मैंने क्लियर, ठीक है। ये देखें यहाँ $1 में है, मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ इन 3, आई कैन हेल्प यू टू गेट अ 20 EDU बैकलिंक्स इन ओनली इन 3, आई कैन सी यू आर बाइंग EDU लिंक्स इन हायर कॉस्ट, ठीक है, बट आई कैन ऑफर यू इन ओनली, ठीक है, इतने में मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ। अच्छा, ये डिटेल में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी कॉपी राइटिंग हो, इस तरीके से हो कि आप अट्रैक्ट कर सकें उसको। और आप एक बंदे को एक मैसेज सेंड कर रहे हैं जो आपके रेगुलर क्लाइंट बन सकता है, एक मैसेज करने से ये हो सकता है कहे कि ठीक है जी, मैं आपसे डेली 2 से 3 ऑर्डर आपको किया करूँगा, और ऐसा होता है। ये अगर आप इसको देखें, इसकी यहाँ पे आप हिस्ट्री देखें, लेट मी शो यू, आप इसकी प्रोफाइल की हिस्ट्री भी देख सकते हैं, आप जस्ट फीडबैक में जाएं, ये देखें डेली जो है वो दूसरे लोगों को डेज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को ऑर्डर्स कर रहा है, और एक को ज़्यादा कर रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि ये बंदा कितनी ज़्यादा बाइंग कर रहा है, इससे आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि ये टारगेटेड बायर है।
अच्छा, ये दो तरीके हो गए, एक तो फॉलो करने वाला टारगेटेड लोगों को। अब देखें, ये बंदा है ना, फॉर एग्जांपल इसके जो बायर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो इसके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने फॉलो किया, वो आप उनको भी डायरेक्ट यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है फॉलो करने की, वो है कि फाइंड कर करके आप, यानी कि इस तरह के बायर्स फाइंड कर करके उनको फॉलो करें, ठीक है। उनको फॉलो करेंगे, उनको नोटिफिकेशन जाएगा, और आपने डेली के 30 लोगों को नोटिफिकेशन भेजा, ईमेल भेजी है बेसिकली, और टारगेटेड लोगों को। इस तरह लोग किस तरह मिलते हैं आपको, मतलब और किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। आप इसको फॉलो कर लें और इसको फॉलो कर लें, अगर हम इसकी बात करें, इसको, इनको ओपन किया, इस तरह फॉलो किया, और इस तरीके से आपको ऑर्डर मिलेंगे। आगे क्या क्या डिटेल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, प्रोफाइल को डिस्कस हो गया, हम सिक्योरिटी में चले जाते हैं। सिक्योरिटी को मैं थोड़ा सा जो है वो जल्दी में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वेरी बेसिक है ये, हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ें हैं वो जो पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं कि मुझे किस टाइप की ईमेल आनी चाहिए, मुझे को प्राइवेट मैसेज कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 100 में से एक आधा बायर ऐसा होगा जिसने ये चीज़ रिसीव प्राइवेट मैसेजेस इसको अनचेक किया होगा, तो देन आप उस केस में उसको मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन 100 में से एक आधा ऐसा होगा, इतना तो चलता ही है भाई, क्योंकि प्रमोशनल मैसेजेस जो है वो लोग करते हैं एक दूसरे को। मुझे भी आते थे शुरू में, अब नहीं आते क्योंकि सेलर बड़े सेलर्स को नहीं टारगेट करते वो, लेकिन जब मैं नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे प्रमोशनल मैसेजेस आते थे, और मैं बाज़ को इंटरेस्टेड होके बाई भी कर लेता था, क्योंकि वो इतने टारगेटेड होते थे, इतनी मेरी जो है वो नीड के करीब होते थे, तो मैं वो बाई कर लेता था उनसे। मेरी बाइंग हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी खासी है उस पर, लगभग $20,000 से ज़्यादा मैंने बाइंग कर ली होगी इस पे, SEO क्लर्क के ऊपर। आई एम 110% श्योर $20,000 तो कन्फर्म है, इससे ज़्यादा ही होगी। अच्छा, तो ये सेटिंग्स हैं, रिसीव ईमेल्स, नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं नहीं, ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। आप इसको रीड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। शो पोर्टफोलियो, ये अब ऑप्शन आया, पहले नहीं था। रिसीव ईमेल व्हेन अ डिवाइस इज डिटेक्टेड, नई डिवाइस से आप जब डिटेक्ट हों, यानी फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट किसी और के उसमें किया है, लॉगिन किया किसी और के सिस्टम में, तो यहाँ पे ये आपको कहेगा कि आपको ये रिसीव हो, अनचेक कर देंगे तो रिसीव नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें। जब आपको वन बाय वन शो योर अकाउंट मेंबर लिस्ट, शो योर अकाउंट इन द मेंबर लिस्ट, आपका अकाउंट मेंबर्स की लिस्ट में शो होना चाहिए कि नहीं, ये यहाँ वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ तो वैसे हायरार्की और तरह की है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अच्छा ये देखे ना, यहाँ पे सॉर्टेड बाय है, इसने लिखा हुआ है कि कौन से हों, लाइक ज्वाइन डेट वाले हों, ठीक है, यानी कि वो वाले हों जिन्होंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया हो। आई थिंक यहाँ पे यही आएगा, यस, आज 9 जुलाई में इन लोगों ने ज्वाइन किया है, यानी कि फ़िल्टर हो जाते हैं। वो कहता है कि इसमें आप शो होने चाहिए कि नहीं। अच्छा, ये फ़िल्टर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे ये इस स्पेसिफिक पेज वाला, बाकी तो साइट पे हम बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं। तो लास्ट लॉगिन कब हुआ था उस मेंबर को आपने देखा, ये बंदा लास्ट टाइम अभी 7 मिनट पहले, नहीं, 7 मिनट पहले नहीं, ये तो रिस्पॉन्स टाइम है इनका, लेकिन ये बहुत एक्टिव है, रिस्पॉन्स टाइम इनका बहुत अच्छा है। और उस बेस पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, यूज़र नेम की बेस पे, कि जी यूज़र नेम जिसका देखें ये 0000 भी है लोगों के, ये भी लोगों ने यूज़र नेम रखे हुए हैं, उस हिसाब से हायरार्की बनी हुई है। तो खैर, इस बेस पे फिल्टर कर सकते हैं। एक और भी फिल्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। स्किल के लिहाज से, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी SEO लिखते हैं, फॉर एग्जांपल SEO वाले सिर्फ यहाँ पे रैंक हो, अब यहाँ पे होम पेज पे हैं, यहाँ बदलता रहता है सिस्टम, ये वाला कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो स्किल के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। इन शॉर्ट बात ये कि यहाँ पे ये वन बाय वन आप सारे रीड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या मतलब है इसका। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अच्छा जी, रिसीव अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर प्रमोशनल डील्स वाया टेक्स्ट, आपको फ़ोन पे, आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आपको प्रमोशनल मैसेजेस, लाइक SEO क्लर्क कह रहा है जी आप डिपॉजिट करें, आप डिपॉजिट करेंगे आपको 10% 20% आपको एडिशनल बैलेंस दे देंगे हम यहाँ आने के लिए, ठीक है। डिपॉजिट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, मैं बताऊँगा डिटेल में। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि आप अपने ऑफिस और जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कब से लेके कब तक अवेलेबल होंगे, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल जो है वो फिर उस टाइम पे या वो अंडरस्टैंड कर सके कि अभी ये ऑफिस में नहीं है, यानी कि अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ ऑफिस, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ ऑफिस का मतलब ये है कि आप अवेलेबल नहीं है, योर ऑफिस, और इट्स मीन कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल हैं, ताकि अगर आपको कोई मैसेज करना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादातर लोग फ्रीलांसर बायर्स नहीं देखते, लेकिन खैर ये ऑप्शन है, हर एक में होता है। सेलर ऑप्शंस कहता है कि जी आपने यहाँ पे आप अपना डिटेल्स में बताएं, अपने से मुतल्लिक, अपने सेलर डिटेल्स रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपना स्काइप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, अपना जो है वो जो डिस्कवर नेम है वो ऐड कर सकते हैं, यूज़र नेम, यानी कि इस चीज़ को टाइप की जाए तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ आ जाए, सपोर्टेड और वेबसाइट URL।
अच्छा, ये ऑप्शन अभी आया, पहले नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बायर आपको आउटसाइड परचेज कॉन्टैक्ट करना चाहे, रब्ता करना चाहे, मजीद डिटेल लेना चाहे, तो वो आपसे रब्ता कर सके। लेकिन इसको एसईओ क्लर्क अपोज भी करता, थोड़ा थोड़ा बीच में इन्होंने ओपन कर दिया था कि आप लोग कर सकते हैं। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे आ गए थे, अभी भी लगभग 25-30 क्लाइंट हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं जो एसईओ क्लर्क से आए थे, वो इस ऑप्शन की वजह से आए थे। लेकिन अब स्टिल जो है वो उन्होंने इसको थोड़ा सा जो है वो साइड पर करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें फिर क्विकली मैसेज रिप्लाई, ठीक है, ये इसमें उन्होंने कहा है कि आप फॉर एग्जांपल किसी पे मैसेज से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने मैसेज खुद से टाइप करके रख सकते हैं। लाइक किसी को आपने रिस्पांस करना है, कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि आपकी चार्जेस क्या हैं, आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, आप पहले से मैसेज लिखा हुआ हो आपका, आई कैन ऑफर यू 10% डिस्काउंट इफ़ यू विल बाई द 3 सर्विसेज, 3 ऑर्डर करेंगे, या आप हमारे रिपीटेड बायर हैं तो आपको इतना हम कर सकते हैं। यानी कि आपका लिखा लिखाया मैसेज जो है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े। ये भी अभी आया ऑप्शन, आई मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है, क्योंकि इस साइड पे हम आते नहीं, हम जस्ट ऑर्डर पेज पे जाते हैं और ऑर्डर डिलीवर करते हैं और क्लाइंट के मैसेजेस आते हैं उनको देखते हैं, जो जो जरूरत की चीज़ें होती हैं। हर रोज़ तो नहीं डेफिनेटली आप हर चीज़ देखते, सो ये चीज़ अभी आई है, लेकिन ये कमाल की चीज़ है इसमें। खैर, इन शॉर्ट बात यह है कि ओवरऑल आपको बताना था, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, होम पे, यहाँ पे ये यूज़र नेम है आपका, ईमेल है, फिर स्किल्स आपने जो ऐड की हुई हैं मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, गेस पोस्ट कर देता हूँ मज़ीद उसमें, या फिर लिंक्स कर देता हूँ, या मुख्तलिफ चीज़ों की आप जो है वो SMM कर देता हूँ, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की आप स्किल। यहाँ पे टाइम जोन है, यानी कि आप कहाँ का टाइम जोन रखना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारा कराची का होता है नॉर्मली ये, तो ये जहाँ पे चीज़ें हैं बहुत बेसिक लेवल की हैं कम्युनिकेशन की, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा मज़ीद फास्ट करता हूँ इसको क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है। यहाँ पे पर्सनल इन्फो, देखें ये बंदा है, इस बंदे ने अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, लेट मी शो यू हेयर। लाइक ये बंदा है, ठीक है, क्रुक सर्विसेज के ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है, इसके ऊपर आए हम, इसने अपने से रिलेटेड ये डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मेरी स्किल्स ये हैं, मैं ये हूँ, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। फिर इनवॉइस, ये ऑप्शनल है, लाइक आपने इनवॉइस लेनी है, इनसे इनवॉइस लेनी है कि आज तक आपने क्या क्या, बाज़ अवकात कंपनीज़ आपसे इनवॉइस मांग लेती हैं, तो या इनवॉइस के अंदर क्या इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, वही आपके इनवॉइस के ऊपर मेंशन होता है। फिर आ जाता है पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, इसमें आप पेपाल अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, आपका ज़्यादातर बायर जो है वो पेपाल से यहाँ से आता है, लेकिन अगर पेपाल नहीं है तो पेपाल के बगैर भी आपका विड्रा भी हो जाता है, आप ऑर्डर भी आते हैं, लेकिन अगर पेपाल है उसमें ये होता है कि जैसे ही आपको एसईओ क्लर्क पे ऑर्डर आता है डायरेक्ट पेमेंट आपकी पेपाल पे चली जाती है, 10% ये अपना कट कर लेते हैं एसईओ क्लर्क वाले, डायरेक्ट आपके जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं ऑर्डर कंप्लीट होगा फिर जाके विड्रा आपको मिलेगा, नो, डायरेक्ट, यानी कि एसईओ क्लर्क इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, डायरेक्ट जो है वो आपके पेपाल में पेमेंट चली जाएगी, यू कैन यूज़ दैट पेमेंट, और बाद में ऑर्डर कंप्लीट कर दें, कंप्लीट करके आप सबमिट कर दें तो वो पेमेंट आप एडवांस में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसा होता है ना, ऑर्डर आता है फिर आप कंप्लीट करते हैं फिर डिलीवर करते हैं फिर बायर जो है वो आपको वो करता है, क्या कहते हैं उसको, आपको अप्रूव करता है, उसके बाद फिर क्लियरेंस होते हैं आपके फंड्स की, जैसे 5 or 14 days लेता है, ये इतने नहीं लेता, ये मुख्तलिफ लेवल के लिहाज से मुख्तलिफ इनकी क्लियरेंस पीरियड है, किसी का 7 days है, अब हमारा जो है वो 24 hours है, जैसे ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमारा जो लेवल है उसके ऊपर ये एक दिन के अंदर ही कर देता है, इंशाल्लाह आप लोगों का भी वो लेवल होगा तो आपको क्लियरेंस में इतना टाइम नहीं लगेगा, पेपाल का ये फ़ायदा होता है। लेकिन उसके अलावा यू कैन कॉन्टैक्ट द पियोनियर फॉर गेटिंग विड्रॉवल, उसके बाद ATM है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें आपको किसी किस्म का कमीशन नहीं कट होता और इंस्टेंट आपका विड्रा आ जाता है, ATM से आप डायरेक्ट डैश कैश कैश में वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट मेथड हैं, आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। फिर आप इसमें कुछ डिजिटल वॉलेट्स भी हैं, लाइक डिजिटल वॉलेट यू कैन अंडरस्टैंड, बाइनांस वगैरह से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड बात हो रही है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बात हो रही है, बैंक ट्रांसफर कार्ड वगैरह डिपॉजिट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिसीव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन वेरी सिंपल, अगर आप कोई भी पेमेंट मेथड ना लगाएं, सिर्फ पियोनियर लगाएं, ATM लगाएं, यू विल एबल टू गेट द रिसीव ऑर्डर। एंड अगर आपके पास प्लस में पेपाल है तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दैट पेपाल की ईमेल यहाँ पे लगाएं और जस्ट यहाँ पे आपने यहाँ पे होगा लेट मी कनेक्टेड विद ATM, ओके, यहाँ पे जस्ट आपने ईमेल लगानी है, ठीक है, ईमेल लगानी है और यहाँ पे लिखना है यूज़ दिस एज अ पेमेंट मेथड, आपने ये यहाँ पे क्लिक कर लेना है, आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल जाएगी, वो जस्ट क्लिक कर देनी है, आपकी आपका जो पेमेंट मेथड है वो आपका लिंक हो जाएगा, यानी पेपाल जो पेमेंट मेथड है,
ठीक है। इसके अलावा पियोनियर भी बहुत सिंपल है, जस्ट आप पियोनियर पे जाके आपने ईमेल कनेक्ट करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कनेक्ट हो जाता है पियोनियर। ये है वो पेमेंट मेथड, बेसिकली पेमेंट मेथड का जो तरीकाकार है, आई होप कि आपको आसानी से ही समझ आ जाएगा जैसे ही आप इसको विजिट करेंगे। लेट मी गो अगेन ऑन मेन पेज, पेमेंट्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये देखे ना कनेक्ट विद पियोनियर, इस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट वो कहेगा कि पियोनियर का आप जो है वो लॉगिन करें अकाउंट, वहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पियोनियर आपने करना है, नया बनाना है, मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इसकी क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक, जस्ट आपने पियोनियर लॉगिन करके रखना है, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, पेमेंट मेथड बहुत सिंपल है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा, डिटेल में मैं बता दूंगा। जहाँ से जस्ट पासवर्ड चेंज करने का वाला ऑप्शन है आपका, सेकेंडरी पासवर्ड, सेकेंडरी पासवर्ड जो होता है वो खुद आप अपने खुद से रख सकते हैं। उसमें ये होता है जब आपने विड्रॉ करवाना होता है या सेटिंग्स में जाना होता है तो सेकेंडरी पासवर्ड देंगे तो आपको जो है वो उसके अंदर जा सकेंगे, यानी कि आप जो है अपना विड्रा ले सकेंगे, ठीक है। सेकेंडरी पासवर्ड जो है वो ज़रूरी होता है, या सेटिंग वगैरह में कोई प्रोफाइल वगैरह में कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो वो लगा लें तो अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। यहाँ से पासवर्ड वगैरह चेंज होता है, वेरी वेरी सिंपल है। अच्छा, अब हमने इस चीज़ को सारे को डिस्कस कर लिया, जस्ट सिक्योरिटी पे करते हैं हम क्लिक। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ साइड पे चीज़ें नज़र आ रही होंगी, शायद आप समझ रहे होंगे इसको आप स्किप कर रहे हैं, यही चीज़ें बेसिकली कहीं और भी नज़र आएंगी हमें यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे भी हमने कवर कर लिया है, फेवरेट है वो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, योर प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे कवर कर लिया है, बूस्ट सर्विस है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बूस्ट सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा था, ये प्रमोशंस पे, तो ये चीज़ें सारी आप योर अलर्ट्स हैं वो हम यहाँ पे हम डिस्कस करें कि आपको मैसेज आता है, कोई ऑर्डर आता है, नोटिफिकेशन आता है, किसी ने आपको फॉलो किया, तो यहाँ पे सारे अलर्ट्स वगैरह नोटिफिकेशन जिस तरह फेसबुक के आते हैं आपको यहाँ पे आएंगे, ठीक है। डिवाइसेज, आप किस किस डिवाइस पे लॉगिन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल आ जाएगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का ऑप्शन एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है। रिस्पांस टाइम आपको मेन प्रोफाइल पे बता चुका हूँ। एपीआई सेटिंग्स, इसमें नहीं जाना, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। जिन एपीआई बेसिकली पेमेंट विड्रा के लिए जो होता है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो आपको इंटीग्रेट करना होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी परचेज, योर ऑर्डर्स, पेमेंट, मैनेज, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस। तो विड्रावल, जैसे हिस्ट्री या विड्रा करने की, वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैनेज सर्विसेज हैं, जो मैनेज सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। मैनेज सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही सेम पेज आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे भी शो हो रही हैं। तो अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है मस वाय इन दोनों ऑप्शंस के, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें, डार्क थीम या आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो इसका शेप लॉग आउट का आपको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनके एफिलिएटेड साइट्स हैं, इसको आपने टच नहीं करना, ये आपसे लिंक नहीं है। एफिलिएटेड प्रोग्राम यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी प्रमोशनल रिसोर्सेज, ये आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के आपको बैनर देते हैं एफिलिएटेड प्रोग्राम के लिए, बाकी ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनफ्रीक्वेंट जो है वो यहाँ पे आपको अकाउंट पे भी नीचे नज़र आ जाएगी अगर कोई वार्निंग आती है, ठीक है। गाइडलाइन सर्विसेज, फी सर्विसेज जो है ये एसईओ क्लर्क कितना करता है, ये करता है जो 20%, ठीक है। अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट्स लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट करेगा और वो फिर आपके बैलेंस में से कट हो जाता है जो फीस होती है, बाकी तो पेमेंट आपके पेपाल में चली जाती है, पेपाल की माइनर सी फीस होती है। पेपाल का फ़ायदा ये होता है कि आपको 20% भी नहीं देना पड़ता, दो तरह के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, गाइडलाइंस वगैरह ये आप पढ़ें, टर्म एंड पॉलिसीज़ अच्छी हैं, पढ़नी चाहिए। अगर आपने आपको कोई मसला आ रहा है अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप जस्ट इनको क्लिक करेंगे या हेल्प डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ जस्ट यू हैव टू पुट द ईमेल, योर सब्जेक्ट यानी लाइन, क्या मसला क्या है, जी मेरा सर्विस नहीं बन रही, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ डिटेल में जो चीज़ मेंशन करनी है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप एसईओ क्लर्क ज्वाइन किया, आपने दूसरे नहीं किए हुए तो आपको डेफिनेटली, ये एफिलिएटेड साइट्स हैं उनकी, ये इतनी यूज़फुल नहीं है, इससे इतना बिजनेस नहीं आता, लेकिन आप ट्राई करना चाहते हैं तो सेम अकाउंट ही उनको लॉगिन हो जाता है। यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम क्या है, ये लाजमी पूछता है यहाँ पे, ये चीज़ आपने मेंशन यहाँ पे करनी, जी मेरा नाम जी जावेद एसईओ है, जस्ट आपको एसईओ क्लर्क का जो कस्टमर सपोर्ट है उससे कॉन्टैक्ट करने का। ऑर्डर आई डी, अगर ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर कह रहा है जी मैंने काम करवा लिया, पैसे वापस नहीं करने, कुछ भी आपका झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को आपने पकड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना इनको अपना केस यानी कि अपना मसला सबमिट कर सकते हैं। तो ऑर्डर आईडी आप मेंशन करेंगे तो डायरेक्ट वो क्लिक करेंगे। ऑर्डर आईडी होती क्या है, वेरी सिंपल, जैसे यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ साल पहले जो है वो बाई की थी, ये होगी जी ऑर्डर आईडी। जैसे मेरा इस ऑर्डर से रिलेटेड को मसला है, मैं रिफंड देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनको कहूँगा ये जी ऑर्डर आईडी आपकी पड़ी है। प्रायोरिटी, ये ऑप्शन वैसे किसी में भी नहीं होता, नॉर्मली इसमें है,
कि आपको इसका रिस्पांस अर्जेंट चाहिए, कोई मसला पड़ा हुआ है कि मतलब बिल्कुल फौरी चाहिए, या फिर आप लो नॉर्मल तरीके से और या फिर हाई तरीके से, या अर्जेंट है। मैं नॉर्मली अर्जेंट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे ईमेल आ जाती है जी 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई कर देंगे, और बाज़ का 24 आवर्स से पहले विद इन 24 आवर्स करेंगे, तो बाज़ का तो उससे लेट। लेकिन इनकी कस्टमर सपोर्ट ठीक है, नॉर्मल, मतलब यू कैन से इट्स बेटर देन फाइवर। लेकिन आपकी खुद की गलती हो, आप जितनी मर्जी दलीलें दें किसी भी प्लेटफॉर्म को, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूज। सो आपको क्लाइंट बाहर नहीं लेके आने थे, आपको बेसिक चीज़ों का तो आई नो आपको पता होगा कि आप एसयू क्लर्क से जो है आउटसाइड दे के जाएँ मुख्तलिफ लोगों को। अच्छा, ये मैं डिवाइसेस पर क्लिक करके बता रहा था ये, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे डिवाइसेस, यानी कि आपने कहाँ कहाँ कब कब आप किस किस टाइम पे लॉग इन हुए थे। सो आई कैन डिलीट ऑन दैट। ओके, वगैरह जी, ये दिस कंप्यूटर आपका आईपी है, आपने फला फला जगह से, और ये बाज़ का ठीक भी होता है, बाज़ का ठीक नहीं भी होता, यानी कि एक्यूरेट नहीं बताते। हम आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी में आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई, एड्रेस हमने नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी, आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आपको जस्ट आईडी कार्ड सबमिट कराना है, सेकेंडरी पासवर्ड मैंने पुट नहीं किया, इसलिए कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन पुट कर लें थोड़ा सा अकाउंट को सिक्योर वगैरह, आपका कोई दोस्त वगैरह जब अर्निंग आना शुरू हो जाए, कोई आपको जो है वो करीबी आपका आपसे अकाउंट छीन ना ले, छीन से मतलब ये कि चोरी ना कर ले, तो आई विल रिकमेंड यू यू कैन पुट द सिक्योरिटी आंसर। लेकिन आपको खुद को याद ना रहा तो मसला बन जाएगा आपके लिए, फिर ये सारी वेरीफिकेशन आपसे लेके तब करेंगे। So, in short, let me show you what is this. I think I have discussed already in it. Okay, we have already discussed it. Video बहुत लंबी हो रही है, I can understand. But चीज़ें सारी समझानी है, plan यही है. So, देखते हैं अब कितनी लंबी होती है मज़ीद. अच्छा, address verification में आपने जस्ट कोई document देना है, आप you can submit your ID card. वो आपको बता देगा कि ये चीज़ चाहिए, और आपको बड़ी आसानी से हो जाता है, ये इसमें ज़्यादा तंग नहीं करते. Identity verification, अपनी पहचान यानी कि ID card. सिक्योरिटी पासवर्ड, ये रेड रेड आ रहा है, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है. फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का तरीका मैं आपको सिंपली बता चुका हूँ, जस्ट आपने सिक्योरिटी में जाना है तो हो जाएगा. अब चीज़ें फिर वही के आ गया, बायर और सेलर. इस पर एक तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं नई वीडियो बनाऊँ, डिफरेंट वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर ये भी है कि डेफिनेटली वो जो है दो वीडियो हो जाएंगी, फिर बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जिसको हम रीच नहीं कर पाते आप लोगों के लो रिस्पॉन्स की वजह से, सॉरी फॉर दैट. अच्छा, आते हैं इस पे हम बायर्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है. पहले सेलर पे आ जाते हैं. इसमें ऑप्शंस हैं, हाउ इट्स वर्क हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वर्क, हाउ इट्स वर्क किस तरह प्लेटफॉर्म करते हैं यही तो बता रहा हूँ मैं बेसिकली. विड्रा लेवल 1 पे $20 करने होंगे तब विड्रा मिलेगा. लेवल 2 पे और रिक्वायरमेंट है $10 विड्रा करवा सकते हैं. लेवल 3 या उससे आगे जितने भी लेवल हैं, या लेवल एक्स है उस पर आप $5 विड्रा करा सकते हैं. जैसे ही आपके विड्रा यहाँ बैलेंस में आए, फोर या विड्रा करवा सकते हैं. और लेवल 3 पे तो आपको एक दिन के अंदर क्लियरेंस पीरियड भी मिल जाता है. नॉर्मली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एसयू क्लर्क पे जब आप किसी का ऑर्डर डिलीवर करते हैं, आपको ऑर्डर आया, आपने डिलीवर किया, अगर तो बायर अप्रूव कर दे तो वेल एंड गुड, अगर ना करे अप्रूव तो देन करना ये होता है कि 5 दिन वेट करने से ऑटोमेटिकली ऑर्डर अप्रूव हो जाता है. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. फाइवर के ऊपर आई थिंक 3 दिन लगते हैं, अपवर के ऊपर 5 दिन लगते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का अपना अपना सिस्टम है, ठीक है. सो हम आते हैं सेलर के ऊपर. सेलर के ऊपर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें नीचे बैकएंड पे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं सब मेन्यू. आपने सर्विस सेल करनी है, यानी कि आपने कोई सर्विस सेल करनी है, आपने ऐड बनानी है यहाँ पे, किक बनानी है, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेलर एंड देन सेल एंड सेल अ सर्विस, यानी तीसरे ऑप्शन पे आपने उधर हो गया. बाकी को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये बाकी टैब्स मैं आपको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है. अच्छा जी, एसयू क्लर्क पे सर्विस सेल करने का तरीका का सर्विस क्रिएट करने का, आपने सिंपली अगेन यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और सेल अ सर्विस ये आपके पास आ जाएगी ऑप्शन. यहाँ पे आपने सर्विस अपलोड करनी है, इसका क्या तरीका कर रहा है, यहाँ इमेज लगानी है, यहाँ टाइटल लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं, वन बाई वन मैं डिस्कस करता हूँ, बल्कि सर्विस बना के यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बड़ी क्विकली बन जाएगी ये. लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे, इस पे दो ऑप्शन हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर बनाया आपने बहुत कमाल का, आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ आप सबमिट कर दें, ठीक है. जितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे. जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो इन शॉर्ट मैं बता दूँ तो मुझे सॉफ्टवेयर बनाने का बड़ा शौक था, ऐप्स वगैरह मैंने बहुत सारी ऐप्स बनाई भी हैं, गेम्स बनाई हैं,
तो फिर ये मार्केटिंग की तरफ आ गया, क्योंकि वहाँ पे हमें मार्केटिंग करना नहीं आता था। मैं कहता था मुझे एक दफ़ा पता चल जाए कि ये सेल कैसे होते हैं, तो मैं जो है ना कुछ भी बना के जो है सॉफ्टवेयर जो है अच्छा सा बना के सेल करेंगे। मुझे ये नहीं पता होता था कि सेल कहाँ होता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। खैर, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर भी सेल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपलोड करना होता है, वेरी सिंपल है। अब इसमें ये होता है जितने लोग डाउनलोड करेंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। आपने प्राइस रखी हुई है कि $50 में डाउनलोड कर सकते हैं, तो $50 आपके अकाउंट में डायरेक्ट, उसने डाउनलोड कर लिया, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिलीवर हो गया। अब अपनी बुक्स वगैरह PDF फाइल्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली आई थिंक इन्होंने ये चीज़ जो है वो फिलहाल के लिए पास की हुई है। कुछ स्पेसिफिक सेलर्स को लो किया हुआ है, कुछ को नहीं किया हुआ। ई बुक्स यानी बुक लिखी, अपलोड की, जितने बंदों ने डाउनलोड की उतने पैसे आपको मिल गए, तो ये भी चीज़ होती है उसमें। अच्छा, हम चलते हैं सेलर सर्विस के ऊपर। सेलर सर्विस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अब सेलर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बना के सेल करना है उसका भी ऑप्शन इसी तरह का ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पे है, यहाँ पे है, सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे आपको किस किस चीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, विंडो है, OIS है, माइक है, जो भी है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे होता है ना, एक आप अपने मोबाइल पर बना रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, मोबाइल है। एक आप लैपटॉप पर बना रहे हैं, जैसे अभी मैं लैपटॉप पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेट कर रहा है सारे सिस्टम को, सारे सॉफ्टवेयर को, विंडोज़ द सॉफ्टवेयर यू नो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। खैर, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। आई डोंट थिंक कि कुछ, शायद ही कोई ऐसा हो जो सॉफ्टवेयर बना के सेल करता हो और उसे पैसे कमाता हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ सीख जाएंगे, यानी कि ये वाली जो सेलर सर्विस, तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी अपलोड करने का तरीकाकार जान जाएंगे। वेरी सिंपल है, जस्ट वहाँ पे फाइल अपलोड करनी होती है, यहाँ पे इमेज अपलोड करनी होती है। अच्छा, तो आगे हम एंड पे ये सीखेंगे, लास्ट जो हमारा होगा इसका, कि हाउ टू क्रिएट अ सर्विस ऑन SEO Clerk। और फिर इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हैं, कौन सी रिजेक्ट हो जाती हैं, कौन सी एक्सेप्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपने किस किस तरीके से अपलोड करना है। यहाँ पे तो वैसे मैं डमी करूँगा, शायद सारा कॉपी पेस्ट करूँ, ChatGPT की हेल्प लूँ, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। ठीक है, ChatGPT की भी अगर हेल्प लेनी है तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान से लेनी है, अक्ल दिमाग वगैरह यूज़ सही से करना है। फॉर एग्जांपल सर्विस सेल कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने, ठीक है, सेल कर दी कह रहा हूँ, क्रिएट कर दी, तो यहाँ पे आ गया माई सर्विसेज। तो माई सर्विसेज में जब मैं जाऊँगा तो माई सर्विसेज में यहाँ मेरे सारे जो ऑर्डर्स हैं, टोटल व्यूज़ कितने आए, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे हमें आ जाएगी। वो कहता है यू हैव नो सर्विसेज, क्रिएट अ न्यू सर्विस। यहाँ पे क्लिक करके भी हम उसी पेज पे जा सकते हैं जिस पे हम ऑलरेडी आए हुए हैं। इसको मैं साइड पे रखूँगा, मैं आगे जो दूसरे ऑप्शन हैं उनको डिस्कस कर दूँ। मैनेज सेल्स, मैनेज सेल, जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। किस तरह होंगे, लाइक हम चले जाते हैं शॉपिंग्स पे, वहाँ पे भी लेआउट एक जैसा ही है, यानी कि मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। मैनेज सेल्स, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे कहता है नो ऑर्डर्स, यानी कि बायर्स वाला ऑप्शन ब्लू है ना, बायर्स वाले पे क्लिक किया हुआ मैंने अभी, अभी मैंने सेलर्स वाले पे क्लिक किया हुआ है। सेलर्स के किसी पेज के अंदर गया हूँ तो डेफिनेटली उसका ब्लू है वो। अच्छा, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे आप क्लिक करें कंप्लीटेड ऑर्डर पे, ये होता है ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर पेज इस तरह का होता है। यहाँ पे वो उसका जो है सर्विस है, पेमेंट एक्सेप्ट की हुई है जी, इंस्ट्रक्शंस बायर की तरफ से ये थी, उसके बाद जी वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जी मैंने मेंशन किया होता है, इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप बैकलिंक लगा दें। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे डिटेल में ये चीज़ ऑर्डर जो थी अपना, क्या कहते हैं, ऑर्डर डेट क्या थी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी कब थी, क्वांटिटी कितनी थी। बाज़ का मल्टीपल क्वांटिटी में भी आप बाई कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्डर किस तरीके से करते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक किया यहाँ पे, $1 में सर्विस होना, मैं कहता हूँ जी मैंने एक नहीं, मैंने 16 ऑर्डर करने हैं, तो क्वांटिटी 16 हुई तो डॉलर भी 16 हो गए। तो ये वो क्वांटिटी यहाँ पे बता रहा है, ये यूज़र नेम है जिसको मैंने ऑर्डर किया हुआ, ऑर्डर आईडी यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट, प्राइस इतनी है, स्टेटस ये है जी कंप्लीट हो गया, डिलीवर नहीं, एक्टिव नहीं, डिलीवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका था, उसने मुझे सबमिट कर दिया था, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, ये बात है कोई बहुत पुरानी। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि अच्छा ये देखें बाई अगेन, इस पर क्लिक करूँगा तो बाई अगेन, कॉन्टैक्ट करूँगा जी मैं कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ उसे, इस पर क्लिक करूँगा तो बाई अगेन भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ इससे, तो यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और मैं उसके यूज़र नेम से भी उससे मैसेज कर सकता हूँ। तो इसी तरह का कुछ लेआउट यहाँ पर हमें नज़र आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब उसमें ये चीज़ है कि आपको जब ऑर्डर आपके होते हैं एक्चुअल में, यानी क्यू में लगे होते हैं, यहाँ से भी मैं उसको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, एट एंड आई कैन फॉलो एज वेल। कस्टम ऑर्डर मैं उसे करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आई नीड 20 नहीं 200 बैकलिंक चाहिए, और मुझे वो चाहिए जी
ये कहता है कि 40 करेक्टर तक खोदना कम से कम, मैं वैसे ही रैंडमली डाल देता हूँ आई नीड दिस, ठीक है, और मेरी जो प्राइस होगी वो 14 होगी, वैसे उसकी एक्चुअल है 20, मैं कहता हूँ वो आपने 5 दिन में कंप्लीट करने हैं। अच्छा, कहता है कि ऑफर सेंड करना है या ऑर्डर सेंड करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑर्डर सेंड करना है मैंने उसे, ठीक है, ऑर्डर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ये वैसे ऑप्शन पहले नहीं था, पहले जस्ट और जस्ट हम जो है वो उसको ऑफर ही सेंड करते थे, लेट मी ऑफर, ओके, रिलेटेड टू सर्विस नो, ओके, रिलेटेड टू सर्विस नहीं है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसको ऑफर चली जाएगी, तो ऑफर में वो क्या करेगा, वो बाई कर सकेगा। अच्छा, मैसेज जब आप करते हैं, ये ऑप्शन अभी रिसेंटली मैंने देखा है, अभी रिसेंटली आया ये, अब मैं ऑफर भेजूंगा उसको कि मैं आपको 200 EDU बैकलिंक दूंगा आपको $14 में और 4 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं उसे दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरा है मैं ऑर्डर सेंड कर रहा हूँ उसको, वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मैं उस ऑर्डर को पे कर सकूंगा, यानी कि मैं $14 डिपॉजिट कर दूंगा, ये सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इनबॉक्स में, जैसे ही आप किसी को करेंगे तो आपको फौरी पता चल जाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल वे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्कैम होता है छोटा सा जो नए लोग होते हैं उनके साथ, आपको लोग सेंड करते हैं ऑर्डर, ठीक है, यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ऑफर नहीं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ऑफर सेंड करेंगे तो इट्स मीन वो कहेगा कि मैं ये काम करके देता हूँ, आपको इनबॉक्स में आ जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है SEO क्लर्क पे थोड़ा सा लेआउट यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है इसका जो सिस्टम है SEO क्लर्क का, कि ऐसा लगता है ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, ही हैज़ एक्सेप्टेड, ठीक है, तो उसके बाद वो बंदा पेमेंट भी करेगा, जब पेमेंट करेगा तो फिर वो ऑर्डर आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, अदरवाइज सिर्फ इनबॉक्स में ही शो हो रहा होगा, जब तक आपका ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं होता एक्टिव, तब तक आपने उस ऑर्डर पे काम नहीं स्टार्ट करना। ये शुरू शुरू में जब ये फीचर आया था तो कुछ लोगों के साथ स्कैम हुए थे और मेरे साथ भी होने लगा था, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था चीज़ों का। अच्छा, ये दो चीज़ें, यानी कि मैनेज सर्विसेज, यहाँ पे सर्विस आएंगी, सेल्स, फिर मैनेज फीस। फीस से रिलेटेड ये है कि आपकी, मैंने आपको बताया कि अगर पेपाल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिर्फ 10% जो है वो कट होता है, लेकिन वो फीस आपसे चार्ज कर लेता है SEO क्लर्क, जब ऑर्डर आए ऑर्डर में से 10% आपको चार्ज करता है वो ऑर्डर में से, जितना फाइवर 20% करता है, वो भी सिर्फ जो पेपाल का ऑप्शन है उससे रिलेटेड, या कोई ऐसी पेमेंट मेथड्स हैं कुछ वहाँ पे जो आउटसाइड हो, यानी कि डायरेक्ट आपका हो, SEO क्लर्क का कोई कनेक्शन ना हो, यानी पेमेंट आपको डायरेक्ट आए, ऑर्डर यहाँ पे चलता रहेगा, जब एक आधा ऑर्डर आएगा तो आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का भी। ओके, सो वो कह रहा है कि जी फीस की सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, यू कैन फिल्टर ऐड कि पेड कौन कौन सी की हुई है, नॉट पेड कौन सी है, इसमें ये होता है कि जैसे $20 हो जाता है तो फिर आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज 4-5 दिन के अंदर आपकी जो अकाउंट है वो टेम्परेरी तौर पे हाइड कर दिया जाता है, क्योंकि आप अपने ड्यूज क्लियर करें, तो डेफिनेटली जब आपका बैलेंस यहाँ पे होता है तो ड्यूज आप क्लियर कर सकते हैं। ये वो नहीं है कि आपको कुछ पैसे देने हैं, आपने जो कमाया है उसमें से कमीशन देना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी, फीस डिटेल है, फिर आ जाता है जी पेमेंट मेथड्स, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल पेमेंट मेथड अबाउट सब्सक्रिप्शन, ये लेवल वन पे तो नहीं मिलती, लेकिन सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि आपने ऐसी ऑफर लगा रखी है जो मंथली बेस पे, वो सब्सक्राइब उसने किया हुआ है मंथली बेस पे, उसके अकाउंट से कट हो रही है और आपको मंथली बेसिस पे यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, आपने सब्सक्रिप्शन दी हुई है कि जी हर महीने आपको 10 बैकलिंग में दूंगा, उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेसिकली आपकी सब्सक्रिप्शन बाई की हुई है मंथली बेस पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, एफिलिएट को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, रेवेन्यू यानी जितना भी आपने अर्न किया हुआ है, एफिलिएट को मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा थोड़ा डिटेल में। रेवेन्यू मतलब ये कि आपका जितना भी आपने कमाया वीकली बेसिस पे, लास्ट टाइम मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल खुर्रम शहज़ाद के ऊपर डिटेल भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे लास्ट वीक $500 के ऑर्डर आए टोटल, लास्ट मंथ राउंड बाउंड 3300 के ऑर्डर आए लास्ट मंथ, उससे पिछले मंथ फिर कितने आए, यानी कि लगभग 2000-3000 के ऑर्डर आते हैं, मीन टू से कि 7-8 लाख रुपया आजकल हमारी जो है वो इससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है SEO क्लर्क अकाउंट से। तो यहाँ पे वो सारी हिस्ट्री अवेलेबल, कितना है क्लियर, कितना है पेंडिंग, कितना है यानी ऑर्डर आया हुआ है जो उसके रेवेन्यू पेंडिंग है अवेटिंग, यहाँ पे जो क्लियरेंस पीरियड में आपको बताया था वो ऑलरेडी कितने विड्रा करा चुके हैं, आपका एवरेज ऑर्डर की वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिस्कस होती है। फिर वहाँ पे जो ऑर्डर आए हुए हैं उनकी हिस्ट्री सारी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रमोशनल सर्विसेज, ओके, बूस्ट वाला जो है ये मैं स्किप कर चुका हूँ, ये मैं तब आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा जब मैं सर्विस क्रिएट कर लूँ, क्योंकि इसमें ये होता है, ये भी एक ऑर्डर लेने का मेथड है, हर 6 घंटे बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ दिखाऊंगा भी कि ये बेसिकली होता कैसे है। जब आपकी सर्विस क्रिएट हो जाती है हर 12 घंटे बाद आप 6 बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी 6 सर्विसेज हैं उनको बूस्ट लगा सकते हैं, बूस्ट करने से थोड़े टाइम के लिए आपकी सर्विस पहले पेज पे आ जाती है,
ये भी सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट कोई भी ऑफर नहीं कर रहा दूसरा प्लेटफॉर्म, मे बी लीजेट ने पेड शुरू किया है लेकिन ये फ्री है टोटल, ठीक है। पेड इसमें है ऑप्शन लेकिन फ्री वाला भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस हैं। आप फ्री वाला रिकमेंड करूंगा, जब पेड वाला आपने करना हुआ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो फिर आप पेड बूस्ट भी खरीद लेते हैं, उनकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि आपको अगर आप बूस्ट करते हैं अपनी सर्विस को यानी अपनी गिग को जो बना लेते हैं आप एड को, वो थोड़ी देर के लिए आपकी जो है वो पहले पेज पे आती है, उस टाइम के लिए अगर कोई बायर जो है वो पहले पेज को विजिट कर रहा हो या आपका कीवर्ड लिखेगा जो आपकी उसके अंदर है तो वो पहले पेज पे आपको शो करवाएगी। यानी सारे सेलर्स को ये इक्वली अपॉर्चुनिटी अवेल करती है कि वो ऑर्डर ले सकें। ओके, सो रेवेन्यू है, रिस्पॉन्स टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेलर इनवॉइसिस ये वही फीस वाला मसला है, विड्रावल जस्ट आपको मैं बता चुका हूँ, विड्रावल हिस्ट्री अब तक कितने कर चुके हैं आप, यहाँ पे आएगा वो, हाउ इट्स वर्क को हम स्किप कर रहे हैं, हम अगेन आ जाते हैं यहीं पर। अच्छा, बूस्ट का जो है उसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बूस्ट बेसिकली मिलते कैसे हैं, मैं बाद में ये पेज जो है वो डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये डिटेल है, वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमें अभी 37 बूस्ट मिले हुए हैं, बूस्टेड 2 डे, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, टोटल बूस्ट यानी ये पेड बूस्ट होते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत कमाल का फीचर है, किस तरीके से यूज़ करना है, बूस्ट किस तरीके से लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट्स जो आपने बाई कर ली हैं आज तक, यानी वो वाली जो पेमेंट्स थी ना यहाँ पे जो आपको हमें नज़र आ रही थी, पेमेंट मेथड्स या फिर ये विड्रा रेवेन्यू, ये वाला ये हमारा जो हमने यहाँ से अर्न किया वो वाली डिटेल होती है। अब यहाँ पे देखें तो वो वाली पेमेंट्स हैं जो हमने बाई किया, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपने जो सब्सक्रिप्शन किसी की बाई की उसकी डिटेल है, रिडीम अ कूपन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिंक बेसिकली मैं सेंड करता हूँ, जब आप हमारे लिंक से ज्वाइन करके हमें जो है वो प्रोफाइल लिंक सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू, जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, और फिर इसमें हम आपको ये पेज सेंड करते हैं बेसिकली, फिर हम कहेंगे आप सेटिंग में जाके ये देखें तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, हम डायरेक्ट ये लिंक सेंड कर देते हैं, आपने कूपन लगाना है यहाँ पे, ठीक है, आई एम नॉट रिबोर्ड पे क्लिक करना है, बाज़ूकात वो आपसे ये चीज़ें पूछ लेगा, जी जी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो लगा दो, ठीक है ये मैंने कर दिया, ओके वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, रिडीम पे क्लिक करेंगे $5 यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और उससे वो जो है वो सर्विस भी बाई कर चुके हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये शायद हमारी नहीं थी, ये किसी और की थे ऑर्डर जो हमने किसी को करवा के दिए थे, आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, हमारे किसी मेंबर के थे, हमारे भी किसी मेंबर की प्रोफाइल आई है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे रिडीम करेंगे $5 आपके अकाउंट में आ जाएंगे और लाइफ टाइम सिर्फ एक दफ़ा ही ये मिलते हैं। और एक और मज़े की बात इसमें, ये मज़े की नहीं बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपका 10 दिन से ज़्यादा पुराना अकाउंट हो तो आप कूपन नहीं रिडीम करवा सकते, आपको कूपन नहीं मिलता, ये चीज़ इनमें रखी, इनकी टर्म एंड पॉलिसीज़ में ये चीज़ लिखी होती है जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि आपका अकाउंट ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, मस्ट एसोसिएट विद अ फ़ोन नंबर वेरीफाइड योर रिडीम कूपन, यानी कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए, जो इनिशियली बहुत सारे लोगों को हम ईमेल्स कर रहे हैं जो हमें लिंक सेंड कर देते हैं लेकिन उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तो वो कूपन लगाते हैं तो ज़ाया हो जाता है। एक दफ़ा आपने गलत कूपन यहाँ पर ट्राई कर दिया उसके बाद आपका जो है वो सही वाला कूपन भी आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, मुश्किल हो जाएगा चांसेस, ठीक है। तो ये है वो पेज जहाँ से आप कूपन रिडीम करते हैं, ये चीज़ इस पर क्लिक करके डिटेल में आप देख सकते हैं। बाकी मैनेज जॉब्स यहाँ पे होता है, मैनेज ऑर्डर्स सेल्स यहाँ पे है, जॉब्स जो आपने दूसरों को की हुई हैं, ठीक है, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आती है। मैं बार बार जो जिस सर्विस को ओपन कर रहा था जिन चीज़ों को वो यहाँ पे थी भी थी। अच्छा सॉरी, ये जॉब्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे शॉपिंग्स नहीं है, शॉपिंग्स के अंदर आते हैं ऑर्डर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे जॉब्स ही होती हैं कि जैसे आपने किसी को जॉब जो है वो आपने अपलोड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपलोड किया सर्विस के मुझे इस पे बिडिंग करें लोग, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ लोग, आपने कहा कि आई नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट दैट माई बजट इज दिस, माई डेडलाइन ये है, मुख्तलिफ लोग आके वहाँ पे बिड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। जॉब्स की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने किया हुआ है, आप ऑर्डर इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बंदा कह रहा है एक्सपर्ट कर रहा हूँ, प्रमोट माई सर्विसेज, मैं एक बंदे को हायर करना चाह रहा हूँ जो मेरी सर्विसेज करे, प्रमोट करे, 5 दिन उसने बता रखा है, इतने लोग उसको देख चुके हैं, फेसबुक का, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का उसने वो दे रखा है, आप जो है वो यहाँ पे इसको बिड कर सकते हैं, यानी कि इस जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसने 5 दिन पहले अप्लाई की थी, ये उसका बजट है, ये उसकी डिटेल है, और मुख्तलिफ लोगों ने जो बिड की हुई है वो भी देख सकते हैं, कमेंट्स जो किए हुए हैं वो भी देख सकते हैं,
कमेंट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन बिड्स नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि योर लेवल इज़ बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब। कुछ लोगों ने लेवल रखा होता है कि सिर्फ दो लेवल के, टू लेवल के जो सेलर्स हैं वो या तीन लेवल के सेलर ही बिड कर सकें। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू बिड एनीथिंग हेयर। लेकिन बिड करने का सिंपल तरीका कार ये है, लाइक अभी यहाँ पे अलो तो नहीं मुझे कर रहा, लेकिन लेट मी चेक अनदर ऑप्शन, कोई और जॉब देख लेते हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकें। बिड करने का सिंपल तरीका वही बॉक्स आता है, आपने जस्ट इस तरह जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को बिडिंग करते हैं वही आपने उसमें करना है। ये बंदा कह रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट ऑन फॉर सोशल मीडिया साइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ओके यहाँ पे देखें, यू विल, देखें आई विल डू दिस जॉब, ठीक है। ये मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं, वो कह रहा है कि जी डिस्क्रिप्शन मैं रैंडमली करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। यहाँ पे मैंने लिखा सारा वही बॉक्स, उसको थोड़ा शेप किया या इस तरह, ये सारे मैंने बेसिकली। अब देखें चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, कैसे, वेरी सिंपल, आप जस्ट इसको कॉपी करें, कॉपी करके आपने यहाँ पे लिखना है ये, बल्कि रिक्वायरमेंट्स भी आप इसमें ऐड कर दें। ये देखें यहाँ पे मैं तो आजकल ज़्यादातर ये जो जॉब्स होती हैं इस तरह की उस पर इसी तरह ही, अगर हम अपवर्क पे बिडिंग करें तो हम इसी तरह करते हैं। यू जस्ट नीड टू गो ऑन चैट जीपीटी, हेयर इट इज़, ओके। चैट जीपीटी पे जाके लिखना है आपने सिंपल, और मुझे मे भी लॉगिन करना पड़े, लेकिन फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है चैट जीपीटी का, वो ये है, इसको हम रिडीम वाले को साइड पे करते हैं, बॉक्स देख लेते हैं, चैट जीपीटी का बॉक्स अज्यूम कर लेते हैं, ये है चैट जीपीटी का बॉक्स। मैं लिखूंगा राइट अ बिड फॉर दिस फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलन डाल रहा हूँ और ये वो जो है सारी की सारी मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा चैट जीपीटी में। आई थिंक उसके लिए मुझे लॉगिन रिक्वायर होगा, सो इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट दैट इज़ वेरी सिंपल, आई नो एवरीवन कैन यूज़ द चैट जीपीटी, इट्स वेरी इजी। आपने क्लिक कर देना है स्टार्ट पे, चैट जीपीटी उसको एनालाइज करेगा और आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लेके लिख के दे देगा, लेकिन उसको आपने प्रूफ रीडिंग करके उसको चेक करके देखना है, उसके अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ दिस इज़ एआई जनरेटेड कंटेंट सो यू शुड कंसीडर इट, या उसमें लिखा हुआ है एक्सएक्स, यानी फॉर एग्जांपल लिखी हुई है कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सएक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप अपने बायर का नेम लिखें, अपना नेम लिखें, बेस्ट रिगार्ड्स नीचे ब्रैकेट में एक्सएक्स लिखा हुआ, ठीक है, या फिर कुछ यूज़र नेम वगैरह या बायर नेम, सेलर नेम, इस तरह करके लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपने थोड़ी बहुत प्रूफ रीड करनी है, इससे आपका टाइम बच जाता है। लेकिन चैट जीपीटी से इस तरीके से अगर आप करते हैं एनालाइज करके उसको जॉब्स को, रीडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको आइडिया हो जाता है, फिर रीड करना वैसे चाहिए चैट जीपीटी से, ये कि आपको लिखा हुआ आ जाता है प्रूफ रीडिंग करके, फिर आप उसको बिड करें और उसको बजट वगैरह आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, लाइक आई कैन डू, ओके, एवरी वन कैन ऑर्डर दिस, यानी ये कि आपने ये बिड की, किसी और ने ऑर्डर कर दिया इस बिड के ऊपर, यानी इसने नहीं, किसी और ने कर दिया, आप मुख्तलिफ लोगों के बिड्स देख रहे हैं नीचे यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे, सॉरी, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके इसको आप भी बाई कर सकते हैं, यानी जब आप बिडिंग करते हैं तो आपका एक ऐड क्रिएट हो जाता है एक तरह का, ठीक है। तो यहाँ से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं दूसरे बंदे को, यानी कोई और बंदा भी आपको ऑर्डर कर देगा। खैर, यहाँ पे आपने बजट वगैरह साइन किया, प्राइस लिखी, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं $230, ठीक है। वो कहता है नहीं जी, आप 120 तक नहीं कर सकते, बिड पे क्लिक करेंगे आपकी बिडिंग हो जाएगी, आपने प्रपोजल सेंड कर दिया बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन विन अ प्रोजेक्ट हेयर, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह पोस्ट नहीं करते, डायरेक्ट ऑर्डर ही करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म की नेचर है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैनेज जॉब, मैनेज ट्रेड, ट्रेड्स वाला ऑप्शन यूजफुल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्रिएट अ जॉब्स, जॉब क्रिएट करनी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी लोगों ने क्रिएट की हुई थी, हमने देखी, अब आपने क्रिएट करनी है, ये भी सिंपल वही तरीकाकार है। आपने पिक्चर अपलोड की, लिखा आई नीड, यानी कि अगर आपको कुछ चाहिए, आई नीड लोगो, ठीक है, मेरा जो टाइम होगा वो होगा 3 दिन का, यानी आपको चाहिए, ज़हन में रखिएगा ये डिफरेंस है, ठीक है। आपका जो बजट है वो $4 है, ओके, कितने लोग जो है वो बिडिंग फॉर, लेट्स फॉर वन डे के लिए, 2 दिन के लिए, फॉर एग्जांपल ये आल लेवल नहीं, मुझे चार से ऊपर वाले जो है वो बिड करें सिर्फ, ठीक है। मेरी जो कैटेगरी है वो फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स है, ठीक है, मुझे लोगो चाहिए, लेकिन ब्लॉग्स तो नहीं हो सकती डेफिनेटली, इट शुड बी रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू नो आई थिंक देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेट्स से आई कैन सेलेक्ट अ यूट्यूब रैंडमली, मैं क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट, आई नीड PNG एंड PSD फॉर्मेट्स,
एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आगे चले गए, ये कहता है जी आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, टू शॉर्ट है। मैं कहता हूँ डीडी डाल के मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ इसको। इट्स ओके ओके ओके, लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट, अच्छा वहाँ पे कंटेंट था, सॉरी रिक्वायरमेंट आ गए हैं, यानी कि आपने टाइटल तो लिख दिया जैसे इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने जॉब्स पे लिखा हुआ था। मैं थोड़ा सा फासली कर रहा हूँ इसलिए चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपको समझ ना आए, वेरी सिंपल है स्टिल। वेर इट इज़, ओके ओके, लेट्स चेक अगेन, क्रिएट अ जॉब, ठीक है। कंटेंट यानी कि यहाँ पे आपने डिटेल में लिख दिया, ठीक है। अच्छा फिर आपने रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे भी बेसिकली रिक्वायरमेंट ही होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर रिव्यू पे क्लिक करना है, और फाइनली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये कहता है ड्राफ्ट में सेव कर लो, प्रीव्यू देख लो। वो कहता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, आपने प्राइस नहीं ऐड किया, आपने ये नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने नया ओपन किया था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने, ये देखें रेड रेड जहाँ पे आ रहा है, हमने ये चीज़ें मिक्स कर दी हैं, हमने प्राइस ऐड नहीं की, ठीक है। तो ये जब चीज़ें हम जैसे जैसे ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें, और इमेज भी कहता है ऐड करें। तो ये जो जॉब्स हम करेंगे ये रिव्यू करेगा एसईओ क्लर्क, एसईओ क्लर्क रिव्यू करने के बाद मैंने जॉब्स, यानी कि यहाँ पे आपकी जॉब्स शो होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टेक अ सम लिटिल पॉज हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कैन मेक 20 मोर देन 20 वीडियोज ऑन इट, यानी 20 वीडियोज का ट्यूटोरियल बन सकता था, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं होता मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर वाइंड अप कर दूँ। आई नो बहुत कम लोग यहाँ तक रह गए होंगे, लेकिन जिसने ये सारी चीज़ें देखी हैं आई होप कि उसको बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा। 20 वीडियो नहीं बनाई मैंने, एक ही बना दी, आई थिंक वी हैव क्रॉस मोर देन वन आवर। सो तो यहाँ पे ये क्रिएट अ जॉब्स, जॉब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, वेरी सिंपल है। हाउ इट्स वर्क आई ऑलरेडी मैंशन, हाउ इट्स वर्क मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने लगा रखे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हाउ इट्स वर्क यू कैन रीड योर फेवरेट्स, मैंने बताया था यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, वही चीज़ वही पेज वहाँ पे लगा हुआ है। सो आई थिंक यू शुड नॉट, आई शुड नॉट एक्सप्लेन अगेन। एड अ फंड, बैलेंस अपलोड करना है। पहले तो $5 हम फ्री दे रहे हैं आपको, आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल $10 आप डिपॉजिट करने हैं, मिनिमम यू कैन अपलोड, यू कैन डिपॉजिट सॉरी $5, बट मैक्सिमम यू कैन, लेट मी चेक मैक्सिमम हाउ मैनी, हाउ मच आई कैन, कोई लिमिट नहीं है, नो नो, कहते हैं लिमिट ये तो जी, मैक्सिमम सिर्फ आप जो है वो 9999 जो है वो आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते डॉलर्स, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम आप सिर्फ 30-35 लाख कर सकते हैं डिपॉजिट। अच्छा लेट्स सपोज 5 है, 5 से नीचे नहीं हम कर सकते, ट्राई कर लें, चेक कर लें अगर हो सकता है, नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। यू हैव ऑप्शन फॉर एटीएम, यू हैव ऑप्शन, लेट्स मी चेक एटीएम का ऑप्शन कहाँ है, ये है, ओके। एटीएम पे आपने ज्वाइन करना है, एटीएम पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। P2P एक जो मेथड है, जब आप एटीएम पे जाएंगे आपको एटीएम खुद ही गाइड कर देता है वहाँ पे कि यहाँ यहाँ क्लिक करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक $5 है, वो एटीएम आपको कहता है कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो इतना है, आप $5 डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 2500 रुपया, आपको 1500 रुपया, 1600 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो 1500 या 1600 आप करेंगे वो डॉलर्स में, आपका $5 एटीएम में आ जाएगा। एटीएम से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एटीएम आपने लॉगिन किया हुआ इसी ब्राउजर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो वो आपको डायरेक्ट टू द रीडायरेक्ट कर देगा, यू विल बी एबल टू डिपॉजिट इजिली। ये देखे ना रीडायरेक्ट हो गया, वो कहता है लॉगिन करें, लॉगिन ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल आपने किया हुआ अगर, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे $5 आ जाएगा। यू कैन यूज़ दैट मनी फॉर एनी टाइप ऑफ बाइंग वट एवर, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन है BTC के, LTC के, ये जो डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके ऑप्शन है। अदरवाइज एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है, बैंक के थ्रू डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेंशन कर रहा है कि फॉर दिस पेमेंट मेथड यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस, फोन नंबर, ID एज वेल, ओके, क्लिक हेयर टू बिगन वेरीफिकेशन, यानी कि वेरीफिकेशन आपको करनी चाहिए, यानी ये चीज़ें पहले वेरीफाई करो फिर पेमेंट मेथड हम एक्सेप्ट करेंगे। आपका लोकल बैंक कार्ड जो है, लोकल बैंक कार्ड यू नो यू शुड इनेबल फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, ये लाइक आपका जो भी डेबिट मास्टर कार्ड है वो आप लोग आपको अनेबल करना पड़ता है आपकी जो है बैंक से, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जो डायरेक्ट आपको डिपॉजिट अलाउ करते हैं। सो ये प्रोसेस है, वेरी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आई विल रिकमेंड यू आप वो $5 यूज़ करें, फिर आप कमाएं उस बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डिपॉजिट करना पड़े
तो यू हैव ऑप्शन फॉर द एटीएम, उसके बाद भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने सिर्फ यही यूज़ किया एटीएम, क्रिप्टोकरेंसीज यूज़ की हैं थोड़ी बहुत डिपॉजिट के लिए, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, सारे मैंने यूज़ नहीं किए, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू में पेपाल ऑप्शन होता था, पेपाल भी ऑप्शन है डिपॉजिट का, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ही आपको नज़र आएगा, वो आप किसी की सर्विस बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे गए, बहुत सारी हो चुकी हैं, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ओके ओके, वो कहते हैं कि इसको भी कट कर दें, ओके जी कर दें। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम इस पे जाते हैं, हम देखते हैं कि इसके पास पेमेंट मेथड क्या क्या है, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहता हूं मैं $40 का, ठीक है। देखते हैं कि इसने बैकएंड पे पेमेंट मेथड कौन से लगा रखे हैं, जो मैं पहले ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं सेटिंग में कि आपने कौन कौन से पेमेंट मेथड लगा रखे हैं। लेट मी चेक, मैं यहाँ पे चेकआउट पर क्लिक करता हूँ। ये बंदा कह रहा है कि जी मेरे पास पेपाल का ऑप्शन भी है, लेकिन ये कह रहा है डिस्क्लेमर यू आर पेइंग द सेलर डायरेक्टली, यानी कि आप डायरेक्टली पे कर रहे हो सेलर को, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो विल चार्ज द $10% बेसिकली हियर। सॉरी, जो लोग नए हैं उनको मे बी तेज़ी से ज़्यादा और फिर थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में भी शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन वो कह रहा है कि आप डायरेक्ट पेपाल से पे कर रहे हैं तो हम $10% फीस चार्ज करेंगे, लेकिन अब अपनी गारंटी पे बाई करते हैं पेपाल से, क्योंकि पेपाल आपको 6 मंथ की मनी बैक गारंटी देता है, सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो ये है स्पेसिफिक सेलर ने पेमेंट ऑप्शन ऐड किया हुआ है अपना अलग से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता पेपाल, सो ये वेरी करता है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट डिपॉजिट करके जब चाहें, जब जिससे भी चाहें बाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ें मेंशन होगी डिटेल में, हम अगेन यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो चुके हैं। प्रमोशनल बूस्टर है, बूस्टर सर्विस बूस्ट को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और आगे उससे पहले जो हम देख लेते हैं एफिलिएट को, हम हमारा रह गया एफिलिएट को हम ओपन कर लेते हैं। उसके अलावे जो पेजेस रह गए हैं हमारे, विड्रावल का नो नीड टू डिस्कस आई थिंक, बट यू हैव टू ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है अभी। आप ये देखिए कह रहा है कि यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस, वेरीफाई एड्रेस करने के लिए चीज़ें आपने मेंशन करनी है, एड्रेस वगैरह, सिटी वगैरह सारी सही से मेंशन करनी है, ठीक है। पाकिस्तान मेंशन करना है, पाकिस्तान से बाहर नहीं मेंशन करना, जहां हो वहीं मेंशन करना है, ठीक है। और फिर जब आप वेरीफाई क्लिक करेंगे, आपको कहेंगे भाई अपना कार्ड, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, ताकि हम पता चल सके कि आप वाकई ही यहां पे हो। अच्छा, आ जाते हैं सर्विस बूस्टर पे। जब आपकी सर्विसेज यहां पे लिस्ट होती हैं, यहां पे आती हैं, तो उसके साथ ही एक ऑप्शन आता है बूस्ट, यू कैन बूस्ट योर सर्विसेज वन टाइम विद आफ्टर पर यानी आप समझ लें कि 12 घंटे बाद आप एक दफ़ा बूस्ट कर सकते हो अपनी एक, ठीक है, पर 12 hours, ओके। सो बूस्ट की अगर बात करें तो ये किस तरह मिलते हैं, 37 हमें फ्री मिले हुए हैं, हर दिन लॉगिन करने पे एक मिलता है, ये मेंशन है, ठीक है, पर डे लॉगिन, ठीक है, पर अकाउंट ऑल लिंक्ड, जितने भी लिंक्ड हैं, ठीक है। कंपेयर, ओके, 2 times पर डे। कंप्लीट एन ऑर्डर, एक आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं एक दिन में तो आपको 2 per day में मिलते हैं, एक अगर आप जिस दिन ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। जनरेट एफिलिएट सेल, जैसे आपके एफिलिएट हैं वो सेल जनरेट करते हैं, किसी चीज़ बाई करते हैं, तो आपको क्या मिलता है जब वो $5 से ऊपर करते हैं, तो आपको 2 boost मिलते हैं। तो आपने जितने लोगों को रिकमेंड करना है, मेरे लिंक से ज्वाइन नहीं करवाना, अपने लिंक से ज्वाइन करना है। वो कहाँ से लेना है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी इतनी बाइंग नहीं करते, वो खुद ही काम करते हैं नॉर्मली। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एफिलिएट सेल यानी 2 आपको बूस्ट मिलेंगे यहाँ पे, ये ख़त्म भी हो जाते हैं भाई अगर आप यूज़ करें तो। ये क्या होता है, ये बेसिकली आपको पहले पेज पे लाने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप दिन में बस मोबाइल ओपन करें, जैसे मैं, हम अभी भी एक बंदा हमने रखा हुआ, वो क्या करता है कि वो बूस्ट करता है हमारी सर्विसेज को, ठीक है। यानी बूस्ट किस तरह के, डेली उठा उसने, उठ के फौरी उसने बूस्ट लगा दी, यानी कि पहले पेज पे लगा दी 6 सर्विसेज। आप एट अ टाइम 6 कर सकते हैं, 12 घंटे बाद फिर 4 6 कर सकते हैं। ये तकरीबन ये यहाँ पे इसने तो मेंशन किया कि 4 घंटे के लिए आप रखते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ये नहीं रहते, और बस कुछ मिनट्स के लिए, या कभी कभार अगर आपका कंपटीशन नहीं है उस कैटेगरी में, कैटेगरीज भी होती है ना, जैसे जो है वो लिंक बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा कंपटीशन है, अगर हम लिंक बिल्डिंग की बात करें उसमें फिर इतनी देर के लिए, क्योंकि दूसरे बूस्ट भी तो होते हैं ना, अगर 10 लोगों ने बूस्ट लगाया तो 10 लोगों का रहेगा, 20 लोगों ने लगा दिया तो 20 का तो नहीं जाएगा ना, फिर जो 10 हैं वो पिछले 10 से, नए आने वाले 10 से रिप्लेस हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द मैसेज। ओके, जनरेट अ सर्विस और मोर पर डे। सर्विस सेल, सर्विस की सेल जनरेट करते हैं आपको ऑर्डर, एक तो होता है कंप्लीट करने पे 2 मिलते हैं, एक ये कि आपको ऑर्डर आया फिर भी आपको 2 मिलते हैं। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आस्क अ न्यू टॉपिक क्वेश्चन इन द FAQ सेक्शन। ये देखें, ये वाला ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं, मैसेज वगैरह करते रहते हैं, रिप्लाई करते हैं, और ये जो कुछ डिस्कशन करते हैं आप यहाँ पे, तो देन आपको बूस्ट मिलता है पर डे 2, ठीक है। क्वेश्चन इन FAQ, FAQ बेसिकली ये है
फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो SEO क्लर्क वालों ने FAQ बनाया हुआ उसके अंदर आपको क्वेश्चन जनरेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, या कोई नई वो क्रिएट करते हैं डिस्कशन, वहाँ पे आपको देखिए ना ये लिखा हुआ है कि आज का न्यू टॉपिक, तो यहाँ पे आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि करेंगे तो आपको वो मिलेगा, एक तो पर डे 2 बूस्ट मिलेंगे जिस दिन वो क्रिएट करेंगे, यानी कि आगे हर रोज़ मिलते जाएंगे उसी दिन सिर्फ मिलेंगे, तो बाकी आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा कि इस बंदे ने इतने रिस्पॉन्स किए हैं, इतने डिस्कशन किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का रिस्पॉन्स करके देखता हूँ यहाँ, ऑन अ लाइटर नोट लेट मी चेक इस बंदे ने क्या किया। मैं कहता हूँ जी इसको पढ़ने का तो टाइम नहीं है क्योंकि गुड गुड टू नो, ठीक है गुड गुड टू नो, नो आई थिंक ये कहेगा कि आपने बहुत शॉर्ट सा किया है, थोड़ा सा लंबा करो, लेकिन ओके आई थिंक ये काउंट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो बंदा आपकी प्रोफाइल देखेगा वो कहेगा कि ये बंदा तो बड़ा एक्टिव है, यानी कि इसकी पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी अच्छी है। लेट मी चेक, यस आई हैव यहाँ पे 1 रिस्पॉन्स है हमारा, लेकिन ये जो गुड टू नो या माई नेम इज़ वट एवर या अपनी प्रमोशनल वहाँ पे नहीं करनी, टू द पॉइंट जो आप देना है आपने, और उस चीज़ को रीड भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ये ना हो कि SEO क्लर्क आपकी वो हिस्ट्री देखे, सब कुछ देखे वगैरह, ये तो स्कैम कर रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ के ऊपर, सेकंड लास्ट, एफिलिएट पे। एफिलिएट पे यहाँ से आपने एफिलिएट वाले पेज पे जाना है, आपने जितने भी लोग हैं उनको ज्वाइन करवाएं, जितने लोग आपको ज़्यादा ज्वाइन करेंगे आपका जो है वो लेवल 3 तक तो आपको लेवल वैसे ही मिल जाता है, लेवल 4 और 5 असल लेवल होता है वैसे एक्स लेवल, ठीक है वो आपको मिलना चाहिए। लेवल 4 पे जाने के लिए आपको यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास कितने लोग आपको ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप जाके रीड करेंगे तो डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देंगे कि एफिलिएट, यानी कि आप कोशिश करें जो अपने दोस्त हैं उनको मेरे लिंक से नहीं अपने लिंक से ज्वाइन करें ताकि आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा आपने तो करना ही था, वैसे भी करना था, अगर मेरे से किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया वैसे फिर भी अच्छी बात है, लेकिन काम करें इस पर। तो जितने लोगों ने आपका जो है वो फॉर एग्जांपल ज्वाइन किया उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। टोटल उन लोगों ने कितने ऑर्डर किए हुए, पाकिस्तानी नहीं करते नॉर्मली लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे उन टोटल ऑर्डर्स की जो है वो डिटेल आ जाएगी। एफिलिएट क्लिक, आपके लिंक पे कितनी क्लिक हुई है, टोटल रेवेन्यू कितना उस ऑर्डर का था, और उसमें से आपको 10% मिलेगा। आई थिंक इससे भी कम कर दिया आप SEO क्लर्क ने, मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि इससे रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होता, तो इस पेज को मैं इतना विजिट नहीं करता। अच्छा तो एफिलिएट, लेकिन डेफिनेटली एफिलिएट जो है वो एफिलिएट सेल अगर होती हैं तो आपको कुछ ना कुछ आता है, लेकिन बहुत कम माइनर क्वांटिटी में आता है। अच्छा तो आपको किसी को ज्वाइन करना है तो इसके थ्रू करवाना है, तो इस लिंक को आप यूज़ कर लीजिएगा, बाकी इसको रहने दीजिएगा, ऊपर वाले को कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, उसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि एफिलिएट को अपने को आप $5 गिफ्ट करें, लेकिन आप अपने एफिलिएट को तब कर सकते हैं कूपन जनरेट जब आपको कूपन जनरेट करना जो है वो अलो किया हो SEO क्लर्क वालों ने, ये मैनुअली वो करते हैं, यानी ये नहीं है कि हर कोई जितने भी आप ज्वाइन कर रहे हैं खुद भी कूपन क्रिएट कर सकते हैं दूसरों से, नो ओनली सिलेक्टेड यूज़र कैन जनरेट द कूपन, लेकिन आपको पूरी डिटेल में बताना पड़ता है कि ये चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हम मार्केटिंग इस तरह करेंगे, हमारी जैसे हमने बताया कि हमारा चैनल है हम वहाँ पे जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, तो देन दे विल एक्सेप्ट दैट, ओके। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपने स्पैमिंग नहीं करनी, दूसरों को पे करने के लिए नहीं करना, आपने जेन्युइन जो है वो यूज़र जो है उन्हीं को ही कूपन जनरेट करके देना है, अगर आप इसमें डिटेक्ट होते गए तो डेफिनेटली आपके जो एफिलिएट हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, ओके। सो आगे चलते हैं, यहाँ पे वो बताएगा कि जी आपके ये जो पर वीक में सेल कितनी हुई हैं, पर डे में कितनी हुई हैं, पर वीक में है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें पर वीक के हिसाब से डिफ़ॉल्ट है, पर डे के लिहाज से ये बता रहा है कितने लोगों ने ज्वाइन किया था। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लगभग अभी जो 500 लोग से ज़्यादा शायद हमें ज्वाइन कर चुके होंगे हमारे लिंक से अभी तक, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ था, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हाउ इट्स वर्क। अच्छा ये हो गया एफिलिएट का, बाकी डिटेल में अगर पढ़ना है तो एफिलिएट पे क्लिक करके आप डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम में इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मेरा भी बोल के क्योंकि कंटिन्यूसली कर रहे हैं, एडिटिंग का टाइम नहीं होता, हम डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे ये मेंशन आपको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा आपका एफिलिएटेड आपसे कोई चीज़ बाई करता है तो वो जो SEO क्लर्क कमीशन होता है वो भी चार्ज नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। यूज़र लेवल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब दो चीज़ें रह गई, ठीक है। एक ये कि सर्विस कैसे क्रिएट होती है, मैं क्विकली इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। दूसरे नंबर पे ये कि ऑर्डर लेने के तरीका कार में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं वो मैं आप लोगों को कुछ जो पहले बता चुका हूँ वो भी उन्हीं को थोड़ा सा करेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा उससे किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, ऑर्डर किस तरीके से लिए जाते हैं, एंड में रखा मैंने वो, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम करते हैं सर्विस सेल, ठीक है।
अब मैं ना क्विकली थोड़ा सा चलूँगा, तो मुझे यहाँ पे फाइवर पे से कोई गीक की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और बल्कि नहीं मैं एस यू क्लर्क से लेता हूँ, मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, डेफिनेटली सबमिट नहीं करूँगा, तो कोई इशू नहीं आएगा हमें। लाइक यहाँ पे आपने वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, तो मैं टोटली ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपलोड करूँगा किसी के ले के, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाने बैठ जाऊँ एक एक चीज़ को टाइटल लिखना चाहूँ, क्योंकि मैं तो अगर टाइटल लिखता हूँ इमेज लिखता हूँ मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत डिटेल में जाता हूँ डीपली, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने कलर लिखा हुआ है ये इसकी विजिबिलिटी कैसी है, मैं बहुत डिटेल में जाके फिर ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, यानी कि बनाता हूँ टाइटल किस तरह लिखना है, टैग्स कौन से लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोरी किस तरह की लिखनी है। लोग 10 मिनट में गिग बना के साइड पे हो जाते हैं ना, तो वो वाला सीन मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमारी सबसे बेहतरीन पिक्चर है आज तक की, ठीक है, जितनी भी हमने बनाई है, एज एन एग्जांपल, ठीक है, मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, इसका ऑप्शन सेव का कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पे सेव करने का आई थिंक ये, ओके ये है, ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ इसको, 1 2 3 कर लेता हूँ, ये होगी जी हमारी पिक्चर, ठीक है। अब मैं बनाना चाहता हूँ, अब कोशिश करें, अगर आप अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं, जैसे ये फ़िल्टर है, ये डिफ़ॉल्ट हाई टू लो, सबसे ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो और उससे लो, फिर लाइक्स किसको सबसे ज़्यादा मिले हैं, व्यू किसको न्यू कौन सी हैं, फिर व्यूज़ किस सबसे ज़्यादा किसको लोग देख रहे हैं वो फिल्टर हो जाएंगी सारी सर्विस, रेटिंग, फिर अपडेट न्यू, मैं कहता हूँ सर्विस को अपडेट करना, ये मैं चीज़ बताऊंगा कि किस तरह ऑर्डर लेने में किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, कंप्लीशन टाइम, जल्दी कौन कंप्लीट करता है, किसकी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन है, उस हिसाब से फिल्टर हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उस हिसाब से फिर लोग जो हैं वो यहाँ पे उनके एड्स नज़र आएंगे, तो इन फिल्टर्स को भी टारगेट करना है आपने, अपनी सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा फीडबैक होंगे तो फिल्टर के बेस पे रैंकिंग मिलेगी, जिससे आपको डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं। जैसे मेरी एक सर्विस है, उसमें मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है, क्योंकि जब उस सर्विस को उस डोमेन को लिख के कोई बंदा रेटिंग पे क्लिक करता है तो मैं ही पहले पेज पे आता हूं, और उस पे मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, क्योंकि लोग हैं बायर्स, उनको पता है यूज़ करने का, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वो लिखते हैं प्रोफाइल बैकलिंक, तो रेटिंग पे क्लिक करते हैं, रेटिंग सबसे ज़्यादा मेरी गिग्स की होती है, तो जैसे ये यहाँ पे ये है, ठीक है, 80,000 है, मेरी नहीं है ये, तो देखें इस बंदे का टॉप पे आया तो मैं कहूँगा यार ये बंदा ठीक है, इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसी को बाई करता हूँ, ठीक है, नो डाउट इस पर कोई ऑर्डर तो नहीं आया हुआ, लेकिन लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, तो इन फिल्टर्स को बेस बना के आपने अपने अकाउंट को लेकर के चलना है। फिर यहाँ पे ये देखें साइड पे ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे भी सर्च बॉक्स है सेम, फिर इसका व्यू डिफरेंट डिफरेंट है, एक लिस्ट व्यू है, दूसरा दूसरे तरीके से व्यू है, उसको आप कह सकते हैं फ्रेम व्यू। अच्छा, तो ये ना फिल्टर इधर भी कुछ लगे हुए हैं, ठीक है, एक ये जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ लेवल 1 के सेलर आए, फिर मैं चाहता हूँ लेवल 2 के, फिर लेवल के, फिर लेवल 4, फिर प्रो, प्रो प्रो जो ऑप्शन है वो आप समझ लें किसका है, प्रो मतलब हमारे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा जो लेवल है इस पर भी प्रो का है, ठीक है, यानी कि लेवल एक्स है, लेट मी सो, अब लेवल 1 पे होते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर प्रो, यानी लेवल 5 भी आ जाता है इसमें और लेवल एक्स भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये है कि गारंटी, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे, ये फ़िल्टर यानी कि सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वाली वो वाली सर्विस यहाँ पे आए हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, मैं प्रो को फिलहाल रिमूव करता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा व्यू लेते हैं हम, ये भी फिल्टर है, ऑन सेल, सेल पे किस तरह लगाई जाती है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि सेल वाली सर्विसेज यहाँ पे जस्ट आ जाएं, लोगों ने सेल पे लगा रखी होती है, यानी $20 प्राइस रख के उसको कट करके 15 कर देते हैं, यानी कि ये अगले आने वाले 10 दिन के लिए टाइमर भी चल रहा होता है, ये भी थोड़ा अट्रैक्टिव और ऑर्डर लेने का एक तरीकाकार होता है। अच्छा, और अभी आई थिंक मेरा जो रिकॉर्डर है वो मुझे नोटिफाई करना शुरू हो गया है कि मैं जो है वो वाइंड अप कर दूं ये रिकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पास 10 मिनट है, मैं अभी फ़िलहाल इसको जो है यहाँ पे स्किप करता हूँ, ये और कुछ ऑर्डर लेने के तरीके इस पे मैं एक 10 से 15 मिनट की अलग वीडियो बनाऊँगा, मुझे तीसरी वीडियो बनानी पड़ेगी आई थिंक, वो सेपरेट वीडियो हो टोटल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताऊँगा कि ऑर्डर लेने के जो स्टिल मैंने तरीके बताए हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जो मैं चाहूँगा कि वो 10-15-20 मिनट की या जितना भी टाइम लगा डिटेल में उस पर मैं वीडियो बनाऊं। अच्छा, उसमें वैसे तो चीज़ें जो मैंने बताई हैं दीज आर वेरी इनफ, लेकिन कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो जो मैं बताना चाहूँगा, उससे पहले हम सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, उसमें ये फ़िल्टर बहुत मैटर करते हैं। लाइक आपने कुछ लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा PBN लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर लिख लेते हैं हम कॉमेंट बैकलिंक, ठीक है, बैकलिंक्स,
कॉमेंट बैकलिंक लिखा, और सेलर जो है नॉर्मली क्या बायर्स बेसिकली वो इस तरीके से फिल्टर्स, इस फिल्टर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन फिल्टर्स को भी यूज़ करते हैं जी, 24 आवर्स के अंदर कौन देगा, ट्रेंडिंग टू डे ट्रेंडिंग पे कौन है कॉमेंट्स बैकलिंक पे, यानी कि आज सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी हुई है, ये सारी चीज़ें इनको बड़ा डिटेल में और समझने से जो है ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में फिर इसका मज़ा आएगा ज़्यादा अच्छे से। हम फिर फिलहाल सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद एक तीसरी वीडियो शॉर्ट वीडियो बताएंगे डिटेल में, क्योंकि ऑर्डर लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उन उस पर भी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, बहुत सारे मैंने बताए भी हैं, कुछ चंद एक रह गए हैं, ये नहीं है कि मेन चीज़ फिर मैंने जो है वो अगली वीडियो पर डाल दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, सर्विस क्रिएट करने के दौरान भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन साथ साथ मैं लाइव आके अपने फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस लेके टाइम टू टाइम जैसे जैसे जो है वो आप इंशाल्लाह आगे चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। वैसे ए टू जी इस चीज़ का हर चीज़ का पता है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो चीज़ें होती हैं जिस जिस तरीके से होती हैं। चलें खैर आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले जो पिक्चर अपलोड करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं पिक्चर अपलोड नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लेट्स सपोज मैं पिक्चर कौन सी हमने बनाई थी, फॉर एग्जांपल हमने ये तैयार की हुई पिक्चर है, ठीक है, जो हमने बिल्कुल रेडी कर ली है, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एसईओ क्लर्क पे जाता हूँ, और या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोनों फाइवर को भी यूज़ करता हूँ एसईओ क्लर्क को भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे टाइटल लिखना है, टाइटल यूनिक होना चाहिए, देखिए ना क्रिएट अ ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल लिखूंगा जो अट्रैक्ट करेगा, जो मेरी देखिए ना बूस्ट योर रैंकिंग विद डू फॉलो पिरामिड बैकलिंक, ठीक है, ये इस बंदे ने लिखी हुई है, लेट्स सपोज इसी को मैं क्लिक करता हूँ, इसी का टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने फार से पीछे पीछे लिखना, ये चीज़ जहन में रखनी है, फार और $15 यहाँ पे जो है ना ये नहीं लिखना, ये क्योंकि डिफॉल्ट आगे प्राइस के लग जाता है, ठीक है, बैकलिंक्स मैंने लिखा फोर और ये 15, ये जो $15 है ये जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी हो जाएगी, ये बंदा कह रहा है कि देखिए जी ऑलरेडी जो है वो सर्विस आपका ये आपने कॉपी पेस्ट की हुई है, देखें एसईओ क्लर्क कितना तेज़ है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ से आपने कॉपी की हुई है, फोर ही बता देते हैं। अच्छा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फाइवर को यूज़ करेंगे, आई विल का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं इसमें, क्योंकि आई विल डिफ़ॉल्ट फाइवर का है, आई विल डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इनको फोर ही पता चल जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे ये करूँगा, ये इसमें नहीं करेगा ऐड, ठीक है, और यहाँ पे ही मैंने क्लिक किया, यानी मैं एज एन एग्जांपल टाइटल लिख रहा हूँ, लेकिन टाइटल आपने बहुत सोच समझ के लिखना है, बहुत डिटेल में देखना है, एनालिसिस करना है कौन सा वर्ड कहाँ पे आना है, और ये डिफ़ॉल्ट है, जैसे आई विल फाइवर में हम नहीं लिखते, आई विल डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ओके यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मैं मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड, आप नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मैक्सिमम, 365 दिन तक है आई थिंक, मैं कहता हूँ जी मैं 7 दिन के अंदर दूंगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी इसकी जो कैटेगरी है वो राइट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यू विल सेलेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बैकलिंक्स, या इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मेरा जो है वो डेफिनेटली अभी जो है वो कैटेगरी इससे रिलेटेड है। फिर ये कहता है हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं ना जैसे उस हिसाब से नीचे व्हाट इज इंक्लूडेड सर्विसेज आती हैं, ठीक है, यानी कि बैक लिंक किया तो उस हिसाब से नीचे आएगा, सोर्स फाइल तो नहीं आएगा जब हम लिंक बिल्ड करेंगे, उसमें बोले H1 H2 पर्सनलाइज्ड SEO SEO प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरह की चीज़ें आएंगी। सो मैं यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ, और मैं कहूँगा हाई रेजोल्यूशन भी होगी, सोशल मीडिया भी होगा, अनलिमिटेड रिव्यून भी होगी, कमर्शियल यूसेज के लिए भी अवेलेबल होगी, या मैं टैग्स लगाता हूँ, ठीक है, लोगो कर देता हूँ मैं, फिर लोगोज कर देता हूँ, ये मैं सिंपल लगा रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ को कवर करना है, इसलिए जहाँ टैग्स लगने हैं आपने बहुत सोच समझ के दूसरों को देख के चेक करके फिर लगाने हैं, ठीक है। आगे चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये चीज़ कवर होगी, एक पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, फोर, फाइव, सिक्स पार्ट है, सिक्स में तो सिर्फ जाके रिव्यू पे क्लिक ही करना होता है, सिक्स पार्ट नहीं है, बेसिकली पांच पार्ट है। ओवरव्यू में यू नीड टू सेलेक्ट इमेज, आपने इमेज ऐड करनी है बेसिकली, ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे जो आपकी शो होगी, फिर दो से ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मज़ीद यहाँ पे ब्राउज़ करके इससे ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी सेलेक्ट ऑन दैट, मैं सेलेक्ट करता हूँ जी, ओके पिक्चर्स पे गया, एक ये पिक्चर वही पिक्चर आ गई जी मेरे मैकबुक वाली, ओके बस ये गिर गया था, मुझे ये मैंने सेल आउट कर दिया था गिरने की वजह से, ओके ये मैंने कहा चलो इररिलेवेंट बातें भी बीच में कर लें, टू दी पॉइंट चल चल के जो है वो काफ़ी बोरियत हो रही है, ठीक है, दो पिक्चरें लगानी है तो यहाँ पर आना है। आगे जी 7 डेज़ मैंने टाइम सेलेक्ट कर दिया, बाकी ये चीज़ें ऑप्शन आपने देख के सेलेक्ट करने हैं, सोर्स फाइल नहीं दे सकते तो ना दें, ठीक है, सोर्स फाइल क्या होती है, PSD होती बेसिकली। अच्छा जी प्राइस कितनी रखनी है जी, मैं $5 सेलेक्ट कर देता हूँ। अलो मल्टीपल, अलो मल्टीपल यू नो ऑलरेडी कि अलो मल्टीपल यानी कि आप मल्टीपल अगर क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए, अभी रिसेंटली मुझे कोई एक बंदे ने ऑर्डर किया $4 का था, लेकिन उसमें मल्टीपल्स मैंने बहुत सारे लगाए हुए थे, उसने $4 से $200 तक का कर दिया, $200 का कल मुझे ऑर्डर आया था एसईओ क्लर्क के ऊपर,
$4 की सर्विस पे $200 का, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा उसने बाई कर दिए थे, वो क्या होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उनको मैं डिटेल की जो एक 20-25 मिनट की वीडियो या 15-20 मिनट की जितनी भी बनी, यानी उसके अंदर मैं मजीद इसको एक्सप्लोर करूँगा मजीद एक फ्रेश माइंड के सेट के साथ, क्योंकि अब जब आप आधा घंटा बोल लेते हैं तो उसके बाद फिर चीज़ें जो है ना वो आगे बहुत मुश्किल हो जाती है क्रिएटिविटी से। खैर उसमें भी चीज़ें डिस्कस होंगी, वो बोनस वीडियो कह सकते हैं, बाकी कोर्स यहीं तक ही ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा दो वीडियो में, वो उसमें प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल मतलब कि ये वाला आपने सीन करना है कि नहीं, यानी कि कोई बंदा अगर कहता है कि जी मैं 10 क्वांटिटी में बाई करना चाहता हूँ तो येस डेफिनेटली यू शुड डू, लेकिन बाज़ वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल यू आर ऑफरिंग आई विल सबमिट 10 यूनिक आर्टिकल सबमिशन, वहाँ पे आप यूनिक अगर करेंगे तो आप नो कर दें, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा 10 क्वांटिटीज़ में बाई करता है तो आपके पास 100 यूनिक नहीं है, 10 यूनिक साइट्स हैं आर्टिकल सबमिशन की, ठीक है। I can say we have crossed two hours. Okay, 2 घंटे से लगातार, amazing. Okay, enable quick delivery. आप कहते हैं जी मैंने इस बंदे को 7 days के अंदर सर्विस नहीं, 8 दिन के अंदर देनी है, ठीक है। आप कहते हैं कि क्विक डिलीवरी, इफ़ यू नीड ओनली इन 1 day या फिर आपको 5 दिन में चाहिए तो आप यहाँ पे $4 एक्स्ट्रा पे करें, ठीक है। ये वैसे ये हाफ होता है, जो एक्चुअल टाइम होता है उससे कम अज़ कम हाफ हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, हाफ 4 days, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा जैसे मैं क्या दे रहा हूँ लोगो, फिर उसके बाद मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल बैनर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एक्स्ट्रा है बेसिकली, यानी जब आप कोई सर्विस बाई करते हैं किसी की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गया, इस बंदे ने एक्स्ट्राज भी लिखे हुए हैं, लाइक मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ तो 1 की है, या फिर क्वांटिटी भी 3-4 कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये सर्विस भी अच्छी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें 180 हो गया, अब $180 का ऑर्डर जाएगा, ये सर्विस भी मैं सेल कर रहा हूँ एक्स्ट्रा के तौर पे, उसके लिए 4 दिन रिक्वायर होंगे, $30 वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, लेकिन जब मैं क्वांटिटी डबल करता हूँ यानी 6 गुना करता हूँ तो इसकी भी मल्टीपल क्वांटिटी हो जाती है, मैं कहता हूँ 3 दिन में मुझे चाहिए तो क्वांटिटी $20 जो है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, यही चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, आई विल नहीं लिखना भाई, आई विल से इसको मसला है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कंपेटिटर है फाइवर का, गेट बैनर एज वेल इन 2 days, ठीक है जी, 2 days के अंदर, मैं डेज लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन चलो मैं वैसे ही टाइटल लंबा करने के लिए लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल $4 में मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर क्विक टाइम नहीं डालूंगा, मजीद ऐड कर देता हूँ, वही तरीका कार है, ये है एक्स्ट्राज, इसका फ़ायदा होता है। जैसे आप जाते हैं ना मैकडोनल्ड वालों के पास, वो कहते हैं सर आपके लिए चाय भी कर दें, मतलब आप इस तरह उसको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो ऐड करते हैं, बाकी मेक दिस सर्विस ऑन सेल, कुछ लोगों ने सेल पे लगा रखी होती है सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस 4 पे रखी हुई है, मैं कहता हूँ सेल पे लगा दो इसको, मैक्सिमम जो है वो हम 14 दिन के लिए सेल पे लगा सकते हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई। लाइक मैं यहाँ पे गया होम पेज के ऊपर, होम पेज पे जाने के बाद मैंने क्या किया, लेट मी चेक, ओके यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्विसेज ऐसी दिखाता हूँ जिन लोगों ने सेल पे लगा रखे हैं, ऑन सेल मैंने फ़िल्टर सेलेक्ट किया, सेल पे क्या आपने $4 प्राइस है, $8 करके 4 पे कर दो, सेल हो जाएगी, थोड़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। जैसे कोई बंदा कहे ना जी ये इसकी एक्चुअल प्राइस जो है $100 है, आप कहेंगे बड़ी महंगी है, वो कहेगा एक्चुअल प्राइस $200 है, अभी सेल पे $100 की लगी हुई है, ये देखें ये बंदे ने ये इस तरह करके आपकी प्राइस जो है वो शो हो रही होगी, इमेज हमने लगा दी, टाइटल हमने लिख दिया, ऑर्डर वाला ये वाला सारा सिस्टम और प्राइस भी लिख दी, ये चीज़ें मेंशन होंगी। अब हम क्या क्या लिख रहे हैं आगे, ये चीज़ें मैं साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाता भी जाऊँगा, ठीक है। अब हम क्या किस चीज़ पे आ रहे हैं, अच्छा सेल पे लगा दी, ठीक है जी 14 दिन के लिए सेल पे लगा दी। गारंटी जो है वो बेसिकली नीचे आता है कि अगर आपको ये सर्विस पसंद ना आई तो आप बगैर किसी क्वेश्चन के, बगैर किसी रिफंड के की रिक्वेस्ट के कस्टमर सपोर्ट को बात की, आप डायरेक्ट जो है क्लिक करेंगे, आपको टोटल ऑटोमेटिकली गारंटी मिल जाएगी रिफंड की, यानी कि आपका रिफंड हो सकता है, वो आप 20% देना चाहें, 100% देना चाहें, ना देना चाहें, इवन अगर आप नहीं देना चाह रहे आप इसको अनचेक कर दें, इसको क्लिक ही ना करें। फिर कहता है कूपन, आप एक बंदा है वो, आप कहते हैं यार ये $50 की है मुझे 40 में मिल जाना, ये कहता है अच्छा ठीक है मैं कूपन देता हूँ। आप जब ऑर्डर करने लगोगे तो यहाँ पे एक जो है वो कूपन का ऑप्शन आएगा, कहाँ है भाई वो कूपन का ऑप्शन, यहाँ आना चाहिए आई थिंक, आगे आएगा, लेट मी चेक, ओके यहाँ पे नहीं आ रहा कूपन का ऑप्शन, लेकिन आप जब यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि कूपन को इनेबल करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे जनरेट कर दें, ये वाला कोड आप उसे देंगे तो आप उसको 10%, 5% जितना भी वो चाहेगा आप उसको कूपन दे सकेंगे, ठीक है। यूनिक कोड ये वाला, आप 20% देना चाहते हैं, 90% मैक्सिमम यू कैन ऑफर द कूपन, ऑन है ऑफ करना है ऑफ कर दें, लेकिन ऑप्शन वहाँ पे आएगा, लेकिन जो है वो
जब आप इसको अनचेक करेंगे तो फिर वो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन होगी, नहीं आएगा। वैसे एक बंदा है जिससे मैंने सर्विसेज वगैरह बाई की थी, उसने लगा रखा होता, लेट मी चेक अगर वो यहाँ पे मुझे अपीयर होता है, उस बंदे ने लगा रखा है कूपन, यानी कि वो आपको एक तरह का डिस्काउंट दे रहा होता है। आई थिंक ही इज़, लेट मी चेक। ओके सो आगे क्रिएट अ कूपन है, इसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन वाली ऑफर है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी आपका प्लीज़ लेवल, आप अपना लेवल ऊपर करें फिर आप ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि बंदा मंथली बेसिस पे आपसे ऑर्डर कर रहा है, यानी वो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, कस्टम एफिलिएटेड कमीशन, आप कहते हैं कि अगर कोई और बंदा मेरी सर्विस को प्रमोट करे तो उसको मैं एक सेल पे 15% दूंगा। ये भी एक अर्निंग करने का मेथड है, इसकी डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप कहते हैं ठीक है, आप जैसे आपका कोई एफिलिएट है, आप हैं मेरे सारे एफिलिएट, मैं आपको कोई सर्विस रिकमेंड करता हूं, तो आप जब बाई करेंगे तो उसमें से जितने इसने सेलेक्ट किए होंगे, 5% डिफॉल्ट है, और उसके बाद आपने 70% तक जितने भी आपने अलो किया होगा अपनी सर्विस है कि अगर कोई बंदा मेरी सर्विस को बिकवाएगा तो उसको 70% इतने परसेंट तक मैं डिस्काउंट दूंगा। मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अच्छा, इस बंदे का देख लेते हैं, शायद यहां पे कूपन का जो ऑप्शन है वो, अच्छा यहां पे आ जाती सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल में, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है A to Z वो सारी यहां पे आ जाती है, यानी ये वाली अभी तक जो हम कर रहे थे वो ये चीज़ें कर रहे थे, यानी प्राइसिंग लिख रहे थे, उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे टाइम डिसाइड कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ें एक्स्ट्राज ये जो नीचे आ जाते हैं वो कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे हम जो बना रहे थे वो यहाँ पे हमें अपीयर होनी थी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस बंदे को, इस बंदे ने बड़े तरीके से, ये आपको पता है ना एडिट करने का, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने करना है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ये चीज़ें पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको डेफिनेटली जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो इसका फॉर्मेट, इसको कलर देना जिस तरह उस तरह उसने बना रखा है, स्पेसेस देनी और फिर बोल्ड कर देना और ये सारी चीज़ें। वैसे कलर कम्बिनेशन यहाँ पे कोई अच्छी आ तो नहीं रही, लेकिन खैर आपको समझाने का मकसद ये है कि जो शुरू में चीज़ बताई थी आपको, कुछ वर्ड को बड़ा कर देना और बीच में इमेजेस लगा देना। ग्राफिक बड़े अच्छे से लगा रखे होते हैं लोगों ने, ये देखें ना, इन्होंने ग्राफिक लगा रखे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने टोटल ही ग्राफिक लगा रखे थे। ये देखें यहाँ पे ये कूपन है, फॉर एग्जांपल मैंने वो कूपन इससे लिया, यहाँ पे मैं रिडीम करूंगा, वो कहेगा जी आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल चुका है, लेकिन अभी ये इनवैलिड कूपन था, तो आप फॉर एग्जांपल इन्होंने मुझे 20% का दे रखा है, तो यही जो कीमत है $4 में मुझे मिल जाएगी। बायर को अट्रैक्ट करने का एक बेसिकली तरीकाकार होता है, ये चीज़ है। कस्टम फील्ड फॉर एग्जांपल आप लगा देते हैं, आप कहते हैं जी 100% गारंटी, ठीक है, गारंटी आपने लिख दिया खुद से ही, ठीक है, गारंटी की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं जी, गारंटी, ओके, यहाँ पे लिख दिया डिटेल में, यानी वहाँ पे जस्ट एक छोटा सा टाइटल दिया, और यहाँ पे आई विल गिव यू गारंटी ऑफ दिस सर्विस, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद तेज़ होते हैं, आगे चलते हैं, ये चीज़ कहाँ पे शो होगी, बेसिकली ये होगी जनाबे वाला शो, अगर यहाँ इसने तो नहीं की हुई, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे शो होगी, यानी ठीक है, डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ये अच्छा एज है अगर आप ऐड करते हैं। यहाँ पे होता है रिक्वायरमेंट, एक बंदे को आपने ऑफर करना है, लोगो बनाना, उससे कोई रिक्वायरमेंट तो लोगों ने कि भाई लोगों में लिखना क्या है, आपका स्लोगन क्या है, आपका नाम क्या है, क्या स्टाइल, क्या कलर वगैरह, क्या कुछ करना चाहते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे आई नीड योर कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पे ये, इसको थोड़ा आप पॉलिश कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, पर ये सारी रिक्वायरमेंट आप अपनी अपनी फील्ड के लिहाज से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये कहता है जी ज़्यादा करो वर्ड, ठीक है जी हम ज़्यादा कर देते हैं, हम इस तरह ज़्यादा कर लेते हैं। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना भाई, जेहन में रखिएगा, नए लोगों जो ये जो चल रहा है ये सिर्फ डमी है, एज अ सैम्पल है, क्योंकि मैं डिटेल में लिखना शुरू हो गया तो 6 दिन लग जाते हैं, और 6 दिन लंबी वीडियो आप नहीं देख सकेंगे, क्योंकि मैं ग्राफिक बनवाता हूँ, फिर उस पर लिखना, सारी चीज़ें, बहुत 6 दिन तो नहीं लगते, वैसे ही बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। खैर ये कह रहा है कि अपना पेमेंट मेथड ऐड करो, भाई साहब हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो कहता है अगर पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया तो किस तरह आप वो करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पेमेंट मेथड कस्टम नहीं ऐड करना चाहता, मेरा जो SEO क्लर्क के थ्रू ही आएगा ऑर्डर, यानी जिस बंदे ने बैलेंस ऐड किया होगा वो ऑर्डर कर सकता है, पेपाल वाला नहीं कर सकता जब तक मैं पेपाल ऐड नहीं करता। सो ओके मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, पेमेंट्स वाले को, और मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट आगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। लेकिन ये कह रहा है कुछ आपने गलतियाँ की हैं, आप कहता है एक्स्ट्रा के अंदर टाइटल आपका बहुत शॉर्ट है, कुछ एक्स्ट्राज हमने यहाँ पे लिखे होंगे, ये कहता है ये शॉर्ट है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये क्रॉस है, ये भी छोटा है, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, एक ही काफ़ी है, ठीक है, आप देखता हूँ अब क्या आ रहा है। आप कह रहा है कुछ भी नहीं, सबमिट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट, ये सर्विस वैसे तो डमी है, मैं क्लिक करूँगा, ये रिव्यू में जाएगी, SEO क्लर्क देखेगा, ये सारी ओरिजिनल है, प्राइसेस वगैरह ठीक हैं, इसमें कुछ चीज़ें तो नहीं, ईमेल तो नहीं लिखी हुई, फ़ोन नंबर तो नहीं लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये मेंशन करेगा। लेट मी शो यू, अब मैं आ गया हूँ स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक इसके अलावा कोई चीज़ लेट मी शो यू है नहीं है कोई,
अब खुद ही आना पड़ेगा, बस इस पर क्लिक करना, सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद जो बातें बताने वाली हैं मेन मेन, आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग, बट जो मेन प्रो मज़ीद एक बोनस वीडियो होगी वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी फाइनल जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, स्क्रीन शो स्टॉप करके खुद यहाँ पे आके। सर्विसेज क्यों रिजेक्ट हो रही हैं, ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में जो सर्विसेज बनी हुई हैं उन्हीं से मिलती जुलती बनाएंगे तो, और स्पेशली स्टार्ट में तो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। शुरू में वो बनाएं जो यूनिक है, एक दफ़ा थोड़ा सा आपका अकाउंट पुराना हो जाए, 4-5 दिन पुराना हो जाए, एक एक सर्विस करके बनाएं, एक दिन में या हफ्ते में 2-3 दिन बनाएं, बस एक दिन में एक ही बनाएं, 2-3 ना बनाएं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, दूसरों को कॉपी बिल्कुल ना करें, जिनकी भी हुई हैं वो सारे इसी बेस पे रिजेक्ट हो रहे हैं, और वो वाली बनाएं जो यूनिक है, क्योंकि एक दफ़ा आप अपने अकाउंट की थोड़ी सी हेल्थ बना लेंगे, वैल्यू बना लेंगे, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, फिर आप जो है वो अपनी मर्जी से जो हॉट पे सर्विसेज हैं यानी ज़्यादा सेल हो रही हैं वो मैं बताऊँगा कि पहले, आई थिंक मैंने बता भी रखा है, तो उनको देखना है ट्रेंडिंग पे कौन सी हैं, उस हिसाब से आप अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, प्राइसेस को कम्पेटिटिव रखें थोड़ा सा शुरू में, जब ऑर्डर आना शुरू हो जाए फिर बढ़ा सकते हैं। फिर आप सेलिंग किस तरीके से करनी है ये मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ, अब सेलिंग से रिलेटेड बताया तो है लेकिन किस तरीके से आपने किस प्लानिंग से करनी है वो अगली वीडियो में ऐड करूँगा, साथ साथ लाइव आके भी बताता रहूँगा। जो रिजेक्शन के हैं वो आप थोड़ा सा नेचुरली चलें, कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो फिर थोड़े से नखरे तो करते हैं, वो कहते हैं बायर जितना मर्जी आ जाए सेलर जो है वो हम चुन चुना के लेंगे, क्योंकि सेलर तो हमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। और अब आई थिंक आई डोंट नो कितना टाइम हो चुका है, लगभग आई थिंक 2 घंटे हो गए होंगे इस वीडियो को, खुद कम लोग होंगे आई थिंक एंड तक, और यही वजह है कि शुरू बहुत सारे लोग करते हैं, बीच में 100 में से 2-3 ही होते हैं जो कमा पाते हैं, क्योंकि वो वीडियो एंड तक देखते हैं, वीडियो नहीं बल्कि वो एंड तक सीखते हैं, ठीक है, और गिव अप नहीं करते, वो कहते हैं ये क्या देखना है यार, चलो टिकटॉक करते हैं, बोरिंग है, टिकटॉक देख लेते हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं, तो वो फिर जारी बात है वो सारी उम्र इस चीज़ में सक्सेस नहीं उनको मिलती। खैर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, शेयर करनी है जितना मर्जी शेयर करें, मेरी तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है आप लोगों को, और स्पेशली इस वीडियो की तो बिल्कुल नहीं है, और अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें, जिन जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है वो लाजमी मुझे बताएं, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कितने लोग थे जिन्होंने एंड तक देखी है वीडियो। तो इसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिसाइड करेगा कि अगली वीडियो जो है वो आनी चाहिए कि नहीं, और वो जो अगली वीडियो होगी वो बोनस वीडियो होगी। वैसे तो जितनी मैं चीज़ें बता चुका हूँ जो मैंने क्लेम की थी वीडियो के शुरू में, बिलीव मी आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं इससे, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होंगी वो मज़ीद 50,000 से ऊपर यानी लाखों में अगर आपने अर्निंग करनी है तो उस चीज़ के लिए है फॉलो अप। और जो चीज़ें सही से बताई हैं उसको सही से इंप्लीमेंट करना है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन है। अब ये टाइम नहीं है कि आप जैसी मर्जी गिग बना दें, सर्विस बना दें, आपको ऑर्डर आ ही जाता है, नहीं, आप सेलर ज़्यादा है, थोड़ा सा हमें ध्यान से चीज़ें प्रोफेशनल टच दे के करनी पड़ती हैं। तो बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, वीडियो को शेयर करें, और आपका रिस्पॉन्स दे के फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बोनस वीडियो बनाऊंगा, और ये 3 वीडियो का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो भी देख लेगा वो गारंटी के वो अर्निंग लाजमी कर सकेगा। और स्पेशली जो 3rd वीडियो है इसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।